जय जय राधेश्याम, जय जय राधेश्याम, बोल राधेश्याम, जय जय राधे 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 राधेश्याम, जय जय राधेश्याम, जय जय राधेश्याम। श्री राधा राधेश्वर कृष्ण मंत्राधिदेवता सर्वाद्या रम्या रमा अशेष गोपी मंडल पूजिता। जय जय राधेश्याम, जय जय राधेश्याम, जय जय राधेश्याम, जय जय राधेश्याम। वृंदा राधा सर्व वंद्या वृंदावन सत्य परा सत्य भामा गोपी श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानु सुता परमेश्वरी मूल प्रकृति हेश्वरी। बोलो।
राधा वर कृष्ण चंद्र की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। भगवान शुकदेव भगवान वेद व्यास श्री परीक्षित जी सूत जी शौनकादि ऋषि विदुर जी मैत्री जी गोप गोपी जन ग्वाल बाल सर्व संत भक्त महात्मा पांडव जन भगवान और भक्तवत्सल संत महात्माओं के स्वामी भगवान की जय। भगवान वेद व्यास महाराज की जय। वांग मूर्ति शब्द मूर्ति श्रीमद भागवत भगवान की जय। ओम शांति। नेत्र बंद करके आइए, भगवान के चरणों में मन लगाकर ध्यान धारण कर उनसे भगवत कथा की अमृत का वरदान मांगे। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल करुणा वरुणालय अपार करुणा सिंधु परम इष्ट परम प्रियतम परम सखा भगवान श्री राधा माधव जी श्रीमद भागवत भगवान को बारंबार प्रणाम करके भगवान सुखदेव वेद व्यास जी उद्धव जी हनुमान जी महाराज गोप गोपी जन सर्व आए हुए अदृष्ट संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी सर्व सात संगत आचार्य श्री रामरुद्र पांडे जी महाराज सर्व संत भक्त महात्माओं माताओं बहनों को प्रणाम करते हुए आइए आज के प्रेम गंगा में हम अवगाहन करें। श्री कृष्ण गोविंद नाथ नारायण वासुदेव गोपाल दामोदर दीनदयाल दुख भंजन पूरन कृपा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कल आपने श्रवण किया, हमारे श्याम सुंदर भगवान अवतार ले चुके हैं और बहुत ही सुंदर समय, ध्यान दीजिए, बुधवार का दिन भगवान ने अवतार लिया और कल भी कौन सा दिन था? बुधवार का। ये कृपा संयोग है, यानी भगवत कृपा है। देखिए भगवान एहसास कराते हैं अपनी दया का। तो बुधवार के दिन भगवान ने अवतार लिया और कथा में भी कल संयोग से बुधवार पड़ा। हमारी ऐसी कोई योजना नहीं थी कि कल हम वो कथा करें, ऐसा संयोग। और रोहिणी नक्षत्र तीसरा चरण था, भादो का महीना था, अष्टमी तिथि थी। ऐसे पावन समय में भगवान ने अवतार लिया और सच पूछो जब भगवान आ जाए उस समय पावन हो जाता है। हम कहते कौन सा मुहूर्त है उसमें हम श्रेष्ठ काम करें, लेकिन भगवान के लिए भगवान जो करें वही श्रेष्ठ मुहूर्त बन जाता है। राम जी कब बैठे, पूछते हैं सब गुरु जी से कौन से मुहूर्त में
हम राम राज्य स्थापित करें, यानी राजा राम जी को राज्य तिलक करें, वो कौन सा शुभ मुहूर्त है, कौन सी अच्छी घड़ी है? तो गुरु वशिष्ठ महाराज कहते हैं, महाराज जिस समय राम जी बैठेंगे वही मुहूर्त शुभ हो जाएगा, वही घड़ी सफल हो जाएगी। श्री कृष्ण गोविंद नारायण गोपाल दामोदर दीनदयाल दुख भंजन पूरन कृपाल। तो आपने फिर से, मैं थोड़ी सी सार कथा बता दूं कि सातवें गर्भ में बलराम जी आए, योग माया से कहकर श्याम सुंदर भगवान ने उन्हें गोकुल में जहाँ नंद बाबा रहते हैं उनके साथ यशोदा मैया उनकी धर्म पत्नी और वसुदेव बाबा की एक पत्नी उनके साथ रहती है। कहाँ? गोकुल में। किसके साथ? यशोदा मैया के साथ। क्यों? क्योंकि कंस बड़ा अत्याचारी था, उसे पता पड़ता तो उसे भी कैद में डाल देता। इसीलिए वसुदेव बाबा ने अपने कृपा साध्य सेवक जो थे अच्छे विश्वास पात्र, उनके हाथों रोहिणी माता को सुरक्षित वहां पहुंचा दिया। तो कन्हैया के आने से पहले दाऊ जी महाराज भी आ चुके हैं। बोलो बलराम जी भगवान की। तो बलराम जी आ गए, अब कन्हैया भी पहुंच गए। वसुदेव बाबा गए तो बेड़ियां अपने आप खुल गई, हथकड़ी खुल गई, ताले खुल गए, सिपाही सो गए, कहीं से एक टुकनी में बिठाकर कन्हैया को ले गए। बोलो जय श्री कृष्ण। यमुना मैया ने देखा आज हमारे पति महोदय आए हैं, स्वामी आए हैं, आज उनके चरण न छुए तो फिर क्या हुआ, उमड़ने घुमड़ने लगी। लेकिन ये क्या, यहाँ तक कंठ तक पानी आ गया। वसुदेव बाबा सोचने लगे अब कैसा होगा, कन्हैया समझ गए। अब यमुना महारानी सोच रही कि बीच में तो हमारे ससुर जी बैठे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, कैसे करें। तो कन्हैया ने बड़ी बुद्धिमानी दिखाई, छोटे छोटे लाल लाल चरण कमल बाहर निकाले और डाल दिए यमुना मैया ने। यमुना मैया ने चरण छू लिए। बोलो श्री यमुना महारानी की। तब भगवान चले। बोलो जय श्री कृष्ण। और गोकुल पहुंचकर वहां योग माया से भगवान ने कहा कि आप यशोदा मैया के यहाँ जन्म लेंगे, हमारी बहन हो जाएंगे। तो योग मैया ने पहले ही जन्म लिया, यशोदा मैया को पता ही नहीं पड़ा, जो तो योग माया थी, भगवान की ऐसी प्रेरणा थी। तो योग माया को उठाकर कन्हैया को रखकर वसुदेव बाबा नैनों में नंदलाल को भरकर वापस चले। सोचो कैसी घड़ी होगी, जिन नंदलाल को एक बार कोई सपने में देख ले तो फिर संसार मीठा नहीं लगता। उनको वसुदेव बाबा छोड़ के न चाहते हुए भी, लेकिन हृदय में धारण कर नैनों में छवि बसा के आंसू भर के जा रहे हैं। और जब वापस पहुंचे तो टुकनी में योग माया थी। जैसे ही पहुंचे तो ताले अपने आप लग गए, बेड़ियां लग गई, सिपाही उठ गए। सिर पे माया हो तो सब ऐसा होना ही है। बोलो जय श्री कृष्ण। पर वो तो योग माया थी। थोड़ी सी देर में कंस आया। बोलो जय श्री कृष्ण। धड़धड़ाते हुए आठवां गर्भ उठाया। देव की मैया रोने लगी, भैया ये तो कन्या है। बोले कन्या है, कन्या कैसे हो गई, हमने तो सुना था कि आठवां गर्भ बालक होगा। अभी छलिया विष्णु की कोई भी चाल हो, कन्या हो या बेटा हो, मैं तो इसे छोड़ने वाला नहीं। रोती गिड़गिड़ाती रही, देव की मैया छीन कर ले गया और जैसे ही छत पे जाके पत्थर पे पटकने लगा कि हाथ छोड़ते ही देवी मैया आकाश में विशाल अष्टभुजी स्वरूप में प्रकट हो गई। बोलो जगदम्बे मैया की। और कहने लगी, अरे दुष्ट नीच, अब पाप करना बंद कर दे, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, तुझे मारने वाला तो गोकुल में प्रकट हो चुका है। मां का ऐसा शक्तिशाली स्वरूप, तेजोमय स्वरूप देखकर कांप गया कंस जैसा, डरने लगा और लगा कि मैंने बहुत पाप किए हैं और जिसके लिए इतना सब किया, इतने 6 बालक मारे, अरे वो तो कैसे वहां प्रकट हो चुका है। अब जाके माफी मांगने लगा देव की मैया से, वसुदेव बाबा को अब ज्ञान देने लगा। क्या ज्ञान, की सब दुख अपने कर्मों से ही आते हैं। मेरी बहन मुझे माफ करना,
मैंने तुम्हारे छह छह बेटे मार दिए, और करुणा देखो माता देवकी की, एक बार भी अपशब्द नहीं कहे। जिसने छह बेटे मार दिए उसे इतना भी नहीं कहा कि मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकती। ऐसों के घर ही तो भगवान आते हैं, ऐसा विशाल हृदय आज आजाद कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। देवकी मैया वसुदेव बाबा को स्नान करवा कर, गहने पहना कर, आभूषण धारण करा के, भोजन प्रसाद खिला के, नए वस्त्र देकर क्षमा मांग के विदा किया। श्री कृष्ण गोविंद गोपाल दामोदर दीनदयाल दुख भंजन पूरन कृपा। और इधर बुआ ने देखा कि यशोदा मैया के यहाँ लालू आयो है, तो नाचने लगी, गाने लगी, चिल्लाने लगी। इतने में नंद बाबा आ गए, उन्होंने देखा तो उनकी तो प्रेम समाधि लग गई। सब दौड़े दौड़े आए, सुनंदा बुआ, नंद बाबा और रोहिणी मैया, और पूरे ब्रज में गोकुल में खबर फैल गई। पूरी गोकुल उमड़ घुमड़ के पहुंची, सब बधाइयां देने लगे नंद बाबा को। बोलो जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी है आई, बजी है बधाई, गोकुल में शाम आया। आहा जन्माष्टमी है आई, बजी है बधाई, गोकुल में शाम आया। मथुरा में जायो गोकुल में आयो, मथुरा में जायो गोकुल में आयो, मथुरा में जायो शाम गोकुल में आयो, मथुरा में जायो फिर गोकुल में आयो। नाचे गोकुल बाई, बजी है बधाई, गोकुल में शाम आया। झूला झूलावे मैया यशोदा, आहा झूला झूलावे मैया यशोदा, ओ बाबा नंद खड़े मुस्काए, बजी है बधाई, गोकुल में शाम आया। आई बजी है बधाई, गोकुल में शाम आया। जन्माष्टमी है आई, बजी है बधाई, गोकुल में शाम माखन की चोरी सीना जोरी, आहा माखन की चोरी चोरी सीना जोरी, हाय नटखट नंद कन्हाई, बजी है बधाई, गोकुल में शाम आया। ओ केसी कंस पूत ना मारे, हे संत रहे गुण गाए, बजी है बधाई, गोकुल में शाम आया। जन्माष्टमी
रे मच गया शोर सारी नगरी रे सारी नगरी रे आया वे रज का बाबा संभाल तोरी नगरी रे मच गया शोर सारी नगरी रे सारी नगरी रे आया वे रज का बाबा संभाल तोरी नगरी रे आके बधाइयां देने लगे चिल्लाने लगे आकाश तीनों लोकों में बधाइयां छा गई। हम भी आपको बधाई दे रहे हैं, आप भी नंद बाबा यशोदा मैया को बड़े जोर से बधाई दो, बोलो बधाई हो बधाई। अरे भैया सब बधाई दो नंद बाबा को यशोदा मैया को, सब बोलो एक साथ बधाई हो बधाई, नंद बाबा बधाई, यशोदा मैया बधाई। अरे तेरो लालो जुग जुग जीवे, पगड़ी रंग काला।
दूध जलेबी मालपुआ, दूध जलेबी मालपुआ, ओ यशोदा घर आनंद हुआ, यशोदा घर आनंद हुआ, आहा यशोदा घर आनंद हुआ, यशोदा घर आनंद हुआ, ओ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली 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 तेरी पगड़ी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, हरी आनंद भयो हे कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो हे कन्हैया लाल की, ओकर में आनंद भयो हे कन्हैया लाल की, हम ओकर में आनंद भयो हे कन्हैया लाल की, अरे कथा में आनंद भयो हे कन्हैया लाल की, आहा भागवत आनंद भयो हे कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी हे कन्हैया लाल की, हे हाथी घोड़ा पालकी चारण आयो जे हो पशुपाल की, कौवी चारण आयो जे हो पशुपाल की, जे कन्हैया लाल की, हाँ जे कन्हैया लाल की, जे कन्हैया लाल की, बाबा नंद की आनंद भयो ओ बाबा नंद की आनंद भयो, देखो पर भी आनंद भयो, देखो पर भी आनंद भयो, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बाय।
आयो है। ब्रज में है जय जयकार नंद घर लालो आयो है। हाँ लालो आयो है यशोदा के लालो जायो है। ओ ब्रज में जय हो जय जयकार नंद घर लालो जायो है। ब्रज में है रही है रही है रही जय जयकार नंद घर लालो आयो है। यशोदा के लालो जायो है। लालो आयो है यशोदा के लालो जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार लालो जायो है। बोल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे सरोना सोना सोना रोज ब्रज में धूम मचाए जादू में सच गाए सबके दिल को भाए हर कोई ये गाए कन्हैया बिन अब रहा न जाए। कन्हैया बिन अब रहा न जाए श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हाँ अपने अपने जगह पे बड़े प्रेम से शांति से बैठे और अमृत कथा का आनंद लें भाई ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ भगवान को हम प्रार्थना करें प्रभु आपकी लीला आपकी कथा आपकी सुंदर छवि हम कभी भूल कर भी न भूले। ऐसी दया करो महाराज नाम ना विसरे बोलो। नाम ना विसरे नाम न 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 विसरे
नमन विसरे नमन विसरे वैसी दया करो महरा नाम ना विसरे ऐसी दया करो महरा नाम ना विसरे सतनाम 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 जी ओ वाहिगुरु 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 जी तेरो नाम तेरो नाम तेरो नाम जी हे नित नित जप्या बाबा तेरो नाम जी हे ऐसी दया ऐसी दया ओ ऐसी दया करो महाराज नाम ना विसरे दया करो महरा नाम ना विसरे आपने पिछले जन्म में ऐसी भक्ति की कि मेरे जैसा बेटा मांगा
तो मेरे जैसा तो कोई है नहीं, इसलिए मैं खुद आपका बेटा बनकर आ गया। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। तो नंद बाबा के यहाँ गोकुल में देखिए कैसा आनंद छाया हुआ है, पूरी गोकुल नंद बाबा के महलों में, कोई अपने घर में नहीं, किसी ने ताला नहीं लगाया, किसी को ताला याद नहीं, बोलो जय श्री कृष्ण। और नंद बाबा ने जो दान किया, ओहो, कुबेर के खजाने छोटे पड़ जाए, ऐसा विशाल हृदय, पूरा ध्यान चित्त उस नीलमणि में लगा हुआ है। श्री कृष्ण इतने सुंदर लग रहे हैं, छोटे मुने छोटे से, बोलते हैं ना भगवान बहुत काले कलूटे हैं, ऐसा ऐसे काले थोड़ी ना, सुंदर सांवरे हैं भगवान, बोलो जय श्री कृष्ण। ये तो हमारे कन्हैया को लोगों ने बदनाम कर दिया, चिढ़ाते हैं ना उनको, काला कलूटा, हाँ ये अलग बात है, लेकिन अनंत सुंदर है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगन, हाँ काले हैं कैसे, जैसे नीले नीले बादल होते, वैसे आप पूछो तो सब रंगों से वो निराले हैं, ऐसा कोई रंगी नहीं बना जो कृष्ण का रंग है। ये तो समझाने के लिए उपमा दी जाती है। एक बार नंद बाबा ने देख लिया, अब ब्राह्मण देवता हवन करवा रहे हैं, भैया लालो हो है, चल हवन कर यज्ञ कर, अब उनका मन पूरा नंदलाल में लगा हुआ है। अब ऋत्विज कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, भैया इसमें चावल डालो, अक्षतम समर्पयामि, बोलते हैं चावल डालो, तो नंद बाबा क्या डालते हैं, शक्कर डाल देते हैं। अरे भैया ये क्या किया, बाबा आपको चावल बोले, और गलती हो गई महाराज, गलती हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद कहते हैं दुग्धम समर्पयामि, दूध डालो, तो नंद बाबा पानी डाल देते, अरे पानी डालो तो दूध डाल देते, अरे बाबा का है रेव है, ये क्या हो रहा है, ये आप क्या कर रहे हो, बोले सच बोलूं तो हमारा ध्यान पूरा उस छोरे में लगा हुआ है, अब जब तक नैन भर उसको देख न लूं हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता, हम तो पागल हो गए। तो हंसने लगे सब ब्राह्मण, कहने लगे एक काम करो, आप समर्पण कर दो, आपकी पूजा पूरी हम कर देते हैं, ठीक है, आप जाके छोरे को उठाओ गोद में। बोले हाँ ये ठीक रहेगा, लेकिन पहले सुनो दक्षिणा क्या दोगे, बोलो जय श्री कृष्ण। तो बोले दक्षिणा में महाराज ज्यादा नहीं, 200,000 गौएं दक्षिणा में दी, कितनी 200,000, सब दान करने के बाद भी 900,000 गौएं हमारे बाबा जी के पास बचती, नंद बाबा के पास 900,000, बोलो जय श्री कृष्ण। बोले और 200,000 गौएं क्या दूध ही पीते रहेंगे, बोले नहीं महाराज 7 पर्वत दिए, धान्य पर्वत, बोलो जय श्री कृष्ण। पर्वत यानी समझते हो, गेहूं के, चावल के, शक्कर के, गुड़ के, मीठे मीठे पर्वत, याने कि एक जगह एक आदमी, दूसरी जगह दूसरा, इतना बड़ा ढेर कि एक दूसरे को देख न पाए, इसको धान्य पर्वत कहते हैं। ऐसे 7 पर्वत केवल ब्राह्मणों को दान की जो हवन करवा रहे थे, बोलो जय श्री कृष्ण। जो आता जो मांगता वो दुगुना पाता, चौगुन पाता, बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कैसे उन्होंने भगवान को रिझाया, क्या वो कर्म होंगे, क्या वो पुण्य होंगे जो भगवान इनके बेटे बनकर आए, चाहे वो यशोदा मैया हो या नंद बाबा हो, देव की मैया वसुदेव बाबा। ओ भगवान कहते हैं इन्होंने मेरी 3 जन्म भक्ति की है, माफ कीजिए इन्होंने ऐसी भक्ति की है कि 3 बार इनका मैं बेटा बन के आया हूं, बोलो जय श्री कृष्ण, 3-3 बार। अदिति कश्यप बने, आपने कथा सुनी, भगवान वामन बन के इन्हीं के पास आए थे, वही माता पिता बने। अब एक बार प्रश्नी सुता के यहां भगवान प्रश्नी गर्भ नाम से अवतार लेकर आए थे, अब तीसरी बार भगवान साक्षात मुरली मनोहर श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद महाराज पधारे हैं। श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेव, गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल। अब किसी ने 25 गाय ली, किसी ने 50, किसी ने भैंसे ली, जो आता है इतना पा जाता है, संभाल नहीं पाता, दूसरों को देता जाता है। नंद बाबा क्या एक बार जिसने
बधाई दी, इतना पा गया कि फिर कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ी। बोलो जय श्री कृष्ण। एक 99 साल का बुजुर्ग आया और कहने लगा, नंद बाबा हमको भी कछु चाहिए। का चाहिए भैया? रामायण चाहिए कि और कुछ शास्त्र? बोले नहीं, हमको तो भैंस चाहिए। अच्छा, अभी 99 बरस में दूध पीवे को भैंस को? बोले ले जाओ दो चार जितनी। बोले दो चार नहीं चाहिए। तो बोले 100 भैंस चाहिए। बोले दारी की 100 भैंस लेकर क्या अभी पहलवानी करेगा? बोले हाँ, कसरत करूंगो। नंद बाबा हंसने लगे, बोले 100 नहीं, कितनी उम्र? बोले 99। बोले 200 भैंस ले जाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। 200 भैंस ले गया वो। एक अम्मा आई बहुत बूढ़ी, वो कह रही थी कि काहे का शोरगुल, क्या हो रहा है, हमें कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है। अरे लाला, का है रियो है, ब्रज भाषा में है रियो है यानी हो रहा है, का यानी क्या? बोलो जय श्री कृष्ण। उसने पूछा कि लाला ये कौन सा उत्सव हो रहा है, भागवत कथा हो रही कि नवधा रावण? बोले अरे अम्मा, तो पतो ना ही चलो, यशोदा को लालो भयो है, नंद को लालो भयो है। अब बेचारी कम सुनती थी, उसने कहा का है रियो है, फिर कहा अरे अम्मा यशोदा को लालो भयो है, फिर तीसरी बार नहीं सुना। लाठी टेक के आई, उसकी उम्र 100 से पार। बोलो जय श्री कृष्ण। 125 साल के आसपास थी, वेदांती अम्मा थी। वेदांती यानी समझती वा, बिना दांत वाली। वेदांती मतलब वेद पढ़े मत समझना, बिना दांतों की वेदांती, वेदंत। फिर उसने पूछा अरे लाला का है रियो है? तो ये अम्मा को अभी तक समझ में ना आयो, एक छोरो खड़े हो तो नटकर उसने एक मक्खन का लौंदा उठाया, उसे क्रिकेट की बाल की तरह पूरा बनाया। और जो अम्मा ने पूछा का, ऐसे मुंह खोली तक के ऐसे मारा, वो तो वेदांती थी, ब्रेक लगी नहीं, अनुम ब्रेक के बल वो सीधा मक्खन का बाल पेट के अंदर मुंह से ढड़े। अब इतना मक्खन खा लिया अम्मा ने, जवान से स्वाद ज्यादा ले नहीं पाई, स्लिप होकर सीधा अंदर चला गया। अब तो पता पड़े का है रे है। बोले लाला कुछ गयो तो है भीतर, रस भरो, कुछ बढ़िया मक्खन जैसी खुशबू आ रही है। नेक ये तो बताए का है रे है। दो लड़के गए, दोनों कान में जाकर चिल्लाए अरे अम्मा यशोदा को लालो भयो है। अरे बाप रे, फिर जो डंडी उठाई और वो नाचने लगी, माइकल जैक्सन थे, ऐसा नाची कि लोग देखते रह गए। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद। देखो भाई, ये भगवान की खुशी में नाचना है, है ना? आपके यहाँ व्हाट्सएप में कोई भी वीडियो आता है, ठीक है, तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है? जो टाइटल लिखा रहता है। अगर टाइटल न लिखा हो तो आप अपने भाव से विचार करते हैं, लेकिन अगर वीडियो के नीचे जो हमने टाइटल लिख दिया, फिर आप उस वीडियो को उसी नजर से देखते हैं। ध्यान देना, हमने एक वीडियो देखा, उसमें कोई 70-75 साल के बुजुर्ग थे और जवानों से अच्छा नाच रहे थे, टांग उठा उठा कर एक एक टांग से नाच रहे थे, ठीक है। तो उसके नीचे अगर हम लिखते कि देखिए, अगर मन शक्ति हो तो उम्र भी बाधा नहीं आती, उत्साह होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। ये देखिए 75 में कैसा नृत्य 25 साल वाले भी नहीं कर पाते, तो उस एंगल से हम देखते। लेकिन पता है उसके नीचे क्या लिखा हुआ था? उसके नीचे लिखा हुआ था कि देखिए, बीबी जब बाहर जाती है तो फिर पति कैसे नाच करते, उनकी ताकत कैसे बढ़ जाती। अब लोगों की नजर बदल गई। अब हमें पता है उसकी पत्नी बाहर गई, क्या बगल में बैठी वो भी बेचारी वीडियो बना रही है उसका। तो हम वही सोचते हैं। आप समाचार देखते हो, न्यूज चैनल में दिखाते हैं। अब सीन तो हम देख रहे हैं, लेकिन जो कमेंट्री आई, जो उन्होंने कहा, हमारा ध्यान उधर चला जाता है, फिर हम उसी एंगल से देखते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए याद करना कि भगवान के लिए जो भी काम किया जाता है ना, वो ऊंचा पवित्र हो जाता है, उसकी बात ही अलग होती है। श्री कृष्ण गोविंद। नाथ नारायण गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल। इस तरह बहुत आनंद से, उत्साह से सब गीत गा रहे हैं, नंदोत्सव मना रहे हैं। अचानक नंद बाबा को याद आया, अरे भैया तुम नाचो गाओ, सुनो हमें थोड़ा समय लगेगा, वो एक दिन का नहीं,
तब से चल रहा है, वहां महीने महीने भर तो एक जैसे जन्माष्टमी मनाते हैं, तीन तीन चार चार महीने वहां जन्माष्टमी मनाते हैं अब भी, तो तब क्या हाल होगा जब साक्षात सांवरी सलोनी बैठे होंगे। नंद बाबा को अचानक याद आया कि भैया कंस को कर देना है, वो दुष्ट अत्याचारी है, नहीं तो तुम नाचो गाओ, खूब खुशी मनाओ, भंडारा करो, दूध रबड़ी जलेबी मलाई खाओ और हम कर दे के आते हैं, आयकर देना है साल भर का। तो चले नंद बाबा, बोलो जय श्री कृष्ण। एक बड़ी थाली उठाई सोने की, उसमें माखन रखा, बैलगाड़ियां दूध घी शुद्ध घी की भरकर चले। कंस के पास पहुंचे, कंस ने देखा कि अरे कितने दिन बाद नंद बाबा आए हैं। कहो नंद बाबा, क्या हाल चाल है? बोले प्रभु की नारायण की कृपा से सब कुछ ठीक है, और बताइए आज कैसे पधारे महाराज, वार्षिक कर देने आए हैं। अच्छा किया नंद बाबा, समय पे ला दिया। और बताओ? बोले आपके लिए माखन लाए हैं, जो सामने थाली रखी हीरों से जड़ी हुई, ये मक्खन शुद्ध पवित्र खुशबूदार भरा हुआ। तो जैसे ही कपड़ा हटाया तो कंस जैसा राजा भी खुश हो गया, क्या तो थाली रत्न जड़ित और क्या तो उसमें मक्खन की खुशबू आ रही है। जिसे भगवान देख ले, भगवान आए तो धरती की बात अलग हो गई, पत्ते पत्ते में आनंद आ गया, खुशबू बिखर गई। बोलो जय श्री कृष्ण। सारी गौएं खुशहाल हो गई। अरे नंद बाबा, इतना प्यारा मक्खन और ये इतनी महंगी थाली? बोले महाराज बात ही ऐसी है, किस खुशी में लाए मक्खन मिठाई? बोले महाराज ये प्रभु की आशीर्वाद से, अब हम क्या बताएं, अब 80 साल की उम्र में हमको लालो भयो है, 80 साल की उम्र में लालो भयो है। तो बधाई देने लगे, कंस ने बधाई दी। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे वाह, आपको लालो भयो है, बधाई हो नंद बाबा जी, वाह 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 वाह, बधाई हो, हम आशीर्वाद देते हैं आपको, लालो जुग जुग जिए। उधर कन्हैया मुस्कुरा रहे झूले में झूलते, बोले थैंक यू मामा। फिर आगे दूसरी बधाई दे रहे, आपको लालो दुश्मन को सर फोड़े। बोले तथास्तु, इसीलिए तो हम आए हैं। श्री कृष्ण गोविंद और इधर नंद बाबा मिलके वापस जाने लगे तो वसुदेव जी से भेंट हुई। उन्होंने समझाया कि कंस के इरादे अच्छे नहीं, हमें अच्छा नहीं लग रहा, आप जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी जाओ, शाम का वक्त होने वाला है। तुरंत निकले नंद बाबा, और इधर पापी कंस ने उसे पहले ही शक था कि गोकुल में देवी वाणी माता कह के गई है कि गोकुल में तेरा काल प्रकट हो चुका है, तो जितने बच्चे मिले उनको मार डालो। बोलो जय श्री कृष्ण। तो उसने पूतना को बुलाया था पहले, पूतना चली थी उधर, पूतना ऐसी विकराल भयंकर, पेड़ जैसे तो उसके पांव थे। अब तुम जाओ सब बच्चों को मार डालो गोकुल में। बोले जी महाराज, ये मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। नहीं, तुम अगर एक को मारोगी तो बाकी सब भाग जाएंगे, तो तुम्हारे तो रूप से डर जाएंगे। पूतना ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी ब्यूटी पार्लर जाती हूँ, आप घबराओ मत, ऐसी चरहरी सुंदर मिस यूनिवर्स बन के जाऊंगी, कोई पहचान नहीं पाएगा। बोले अच्छा, और इतने बड़े दांत जो पेड़ जितनी टांगे, आप घबराओ मत, मैं सब तैयारी करके जा रही हूँ। ऐसे मंत्र पढ़े महाराज, पूतना ऐसी सुंदर बन गई कि भागवत में लिखा है जैसे लक्ष्मी मैया जैसे नजर आने लगे। अब लक्ष्मी माता जैसी हो तो नहीं सकती, पर उसने कपट करके इतना सुंदर रूप बनाया कि जिसने लक्ष्मी माता को न देखा हो वो तो ऐसा ही समझने लगे कि अरे लक्ष्मी भैया तो नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। और चली गोकुल में, गीत गाती संगीत बजाती, झूमती झूमती कि कहां बच्चे मिलेंगे, देखा कहीं भीड़ जा रही है। अरे लाला का है रे है? बोले अरे मौसी तो ये पतो नाई का कि नंद को लालो भयो है। बोली हाँ चलो, तो फिर शुरुआत इधर से ही करते हैं। वो भयंकर राक्षसी खतरनाक बच्चों को मारने वाली थी, बाल घातनी उसका नाम था, पूतना, पूत रहने नहीं देती थी, नाम ही था पूतना, पूत यानी शुद्ध, ना यानी जो अशुद्ध थी, शुद्ध नहीं थी वो पूतना। उधर चली और घूमते घूमते यशोदा मैया के पास आकर कहने लगी, ओ यशोदा मैया, यशोदा बहन। यशोदा मैया ने देखा ये कौन आ गई, अरे पहचाना नहीं, मैं तेरी बहन,
नहीं पहचाना। अब यशोदा मैया तो बेचारी बहुत कोमल हृदय, वो कहती होगी चचेरी ममेरी मैंने तो पहली बार देखा, ना कहूं तो नाराज हो जाएगी, चलो रिश्ते बाद में देखेंगे। अरे हाँ हाँ बहन, हाँ तुम खुश हो, बढ़िया आ गई, हाँ कैसे आई, अरे मुझे भी लाला का मूड़ा देखा, मैं भी देखूं, पता है एक बार जैसे मैं गोद में उठा लूं वो लाला फिर रोता नहीं है, आई थी मारने। अच्छा अच्छा वो देख झूले में झूल रहे हैं लाला, पूतना गई, बोलो जय श्री कृष्ण। और जो पास जाने लगी, मौसी आए इससे पहले कन्हैया की नजरें चली गई, अरे कन्हैया ने देखा मौसी जल्दी आ गई, आंखें बंद कर ली। तो कहते आंखें क्यों बंद की, तो संत महात्मा अलग अलग कारण बताते हैं। कोई महात्मा कहते हैं इसीलिए आंखें बंद करी कि देखो हम राम बने थे तब भी कौन आई पहले, ताड़का, और यह पूतना, सबसे पहले लेडीज फर्स्ट, उन्हीं का उद्धार करना पड़ा। दूसरा इसलिए आंखें बंद कर दी, अरे कि कपट करके आई है, कपटी लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, तो कपट कर रही है इसलिए आंखें बंद करी। तीसरे महात्मा कहते नहीं भैया इसलिए नहीं, कन्हैया ने तो इसलिए आंखें बंद करी कि पूतना आ गई, अब भैया जहर पिलाएगी, अभी हमने ठीक से माखन खायो नहीं, दूध पियो नहीं, दही खाई नहीं, दाल भात तो चाख्यो नहीं, और ये आ गई जहर पिलाने के लिए, अब हम क्या करें। तो हम भोलेनाथ को याद करते हैं, वो पहले भी जहर पी चुके हैं, तो जहर जहर तो बाबा जी को पिला देंगे, बोले बाबा को, और दूध दूध हम गटक जाएंगे, बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए आंखें बंद करी। एक महात्मा कहते हैं नहीं भैया कन्हैया ने आंखें बंद नहीं करी तो आंखें अपने आप बंद हो गई, कैसे, बोले एक आंख में सूर्य भगवान का निवास होता है तो दूसरी में चंद्रमा का, सूर्य और चंद्रमा ने दोनों ने ये दरवाजे बंद कर दिए कि ऐसी पापनी को डाकनी को जो हमारे भगवान को जहर पिलाने आई है उसे हम अपने लोक में तो जगह देने वाले नहीं, न सूर्य लोक न चंद्र लोक। राम जी सूर्यवंशी, कन्हैया चंद्रवंशी, बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए आंखें बंद कर दी, कृष्ण चंद्रवंशी है ना भाई। चंदा मामा ने कहा कि जब आप राम जी बन के आए तो सूर्यवंशी, अब की बार आप हमको मौका दो, आप हमारे कुल में आओ, तो भगवान ने कहा तथास्तु, बोलो जय श्री कृष्ण। रोहिणी मैया ने कहा लाला हमरो बेटो क्यों नहीं बनो, तो बोले मैया घबराओ मत, हम बोले यशोदा नंदन देव की नंदन कहलाए, आपके भी बेटा बनेंगे, कैसे, बोले नक्षत्र आपका ले लेते हैं, तो रोहिणी नक्षत्र में आ गए, बोलो जय श्री कृष्ण। गजानंद भगवान ने कहा सारी दुनिया हमको प्रथम पूज्य करती है, महाराज आप हमसे प्रेम नहीं निभाओगे, भगवान ने कहा कोई बात नहीं गजानंद भगवान, हम अवतार ही आपके दिन ले रहे हैं बुधवार के दिन, बोलो गजानंद भगवान की। भगवान सबको देते हैं, किसी को खाली नहीं करते, एक बार प्यार से कोई मांग के तो देखे, कोई सर झुका के तो देखे, कोई प्यार करके तो देखे। तब महात्मा कहते हैं भैया हमारे कन्हैया ने असल बात तो ये है इसलिए आंखें बंद करी कि ये जहर लगा के आई है, ये तो इसके संग का रंग है, ये इसका कपट है, मुझे उससे नहीं देखना, पर ये एक महान काम कर रही है, कौन सा, कि जो काम यशोदा मैया करती है मुझे दूध पिलाने का, वही काम ये पूतना कर रही है। इसलिए भगवान आंखें बंद करके वैकुंठ में उसकी व्यवस्था करते हैं कि भैया मेरी मौसी आने वाली है, जो गद्दी यशोदा मैया को मिलनी चाहिए वो इस पूतना को पहले मिलेगी, बोलो भक्तवत्सल भगवान। ऐसे करुणा सिंधु भगवान और कौन होंगे। स्वामी रामसुबदास महाराज कहते हैं जो जहर पिलाने वाली पूतना को वैकुंठ देते हैं तो दूध पिलाने वाली यशोदा मैया को क्या दें। वहां भगवान लाजवाब हो जाते हैं, निरुत्तर हो जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं, वो कहते हम तो कर्जदार बन के रहते हैं, हम कभी ये ऋण चुका नहीं सकते, बोलो यशोदा मैया के। अब पूतना ने गोद में उठाया, यशोदा मैया से कहने लगी हमरो दूध पिएगो ना यशोदा, तो कभी रोएगो नहीं, कभी भूखो नहीं रहेगो, उसे तो पता था कि मैं जहर पिलाने आई हूं। अच्छा अच्छा चल सखी बहन तू इसे दूध पिला दे। अब उठाया पूतना ने,
घूम घूम के थोड़ा आगे बढ़ के जैसे दूध पिलाने लगी, अब कन्हैया तैयार हो गए, छोटे छोटे कन्हैया। और पहले तो भगवान ने पूरा पूरा जहर पी लिया, फिर दूध पी लिया कि चलो इसका ये भी भाव पूर्ण हो। फिर तीसरी बार दूध के साथ जैसी प्राण पीने लगे कन्हैया, प्राण पीने लगे, अब तो पूतना की हालत खराब हो गई, उड़ चली आकाश में। अरे लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़, उड़ गई आकाश में अब तो पूतना और कन्हैया। अब कन्हैया बात करने लगे, बोले मौसी, बोले हाँ, ये चार दिन को छोड़ो बोल रहे हो है? बोले हाँ बोल रहे हो है। अरे लाला छोड़, बोलो नहीं छोड़ूंगो। क्यों नहीं छोड़ेगो? बोले हमें तो पकड़ वो आवे है, छोड़ बे तो हमको आवे ही ना, हमको तो पकड़ना आता है, छोड़ना तो हमें आता ही नहीं। एक बार जैसे पकड़ लेते फिर पहुंचा कर छोड़ते। धीरे धीरे भगवान ने दूध के साथ जो प्राण पी लिए, हाहाकार करती पूतना असली रूप में आ गई। ये कपटी मरते समय अपने असली रूप में आ जाती, और गिरते 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 उसने 6 योजन तक पूरे वृक्ष वनस्पति पेड़ धराशायी कर। बोलो जय श्री कृष्ण। 6 कोस, माफ कीजिए, 6 कोस यानी 9 किलोमीटर तक। अब आप सोचो कैसा शरीर होगा उसका, उसका मुंह कितना होगा, दांत कितने होंगे, हाथ कितने होंगे, पांव कितने होंगे। और कन्हैया इतने से उसके छाती पे बैठे कैसे लगते होंगे, बोलो। हाहाकार मच गया, यशोदा मैया मूर्छित हो गई, ब्रजवासी दौड़े, भीड़ इकट्ठी हो गई, फैल गई। देखा तो कन्हैया तो बढ़िया खेल रहे हैं, छोटी छोटी बाहें चला रहा है जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं, कन्हैया तो उधम कर रहा है। सीढ़ी वीढ़ी लगाए पूतना के ऊपर, 2-4 पहलवान संभाल के चढ़े, धीरे धीरे कन्हैया को उतारा, यशोदा मैया ने जैसे गोद में लिया, स्तनपान कराया, तब उनकी जान में जान आई। बोलो जय श्री कृष्ण। जाके गौशाला लेकर गई, गाय की पूंछ से झाड़ा दिया गोल गोल, इससे नजर उतरती है, यशोदा मैया ने दिया, आप भी जाया करो गौशाला, है ना, ऐसे गाय की पूंछ उठा के गोल गोल घुमाओगे ऐसे तो नजर लगने वाली नहीं है। बोलो श्री कृष्ण गोविंद। पता नहीं किसकी नजर लग गई अभी बेचारे ने, अभी जन्म लियो और कैसी विपदा आ गई। एक काम करो, गौत्र से नहलाओ, गाय के मूत्र से स्नान करवाई, फिर गौत्र गोबर दूध दही ये सब मिलाकर, घी मिलाकर जो पंचामृत होता है, पंचगव्य जिसे कहते हैं, उससे स्नान करवाया, बहुत पवित्र माना जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तब जाके यशोदा मैया को तसल्ली हुई। इतने में नंद बाबा आ गए, सबने बताया हाहाकार मच गया था, ऐसी बात हुई। बोले अरे हमको तो पहले खतरा लग रहा था, हम तो वहीं से नारायण का नाम लेते आ रहे थे, ये पक्का हमारे नारायण ने रक्षा की। बोले महाराज आप ही के भजन का प्रताप है। बोले लेकिन एक समस्या आ गई नंद बाबा। क्या? बोले पूतना डायन मरी तो पूरा रास्ता बंद कर दिया उसने, ट्रैफिक जाम हो गई, गोकुल मथुरा के रास्ते सब बंद हो गए, अब कैसे करें? बोले उसे खंड खंड करो और जितने पेड़ गिराए हैं वो लकड़ियां उनके ऊपर डालो और फिर संस्कार कर डालो, फूंक डालो। बोले जो आ गया। अब जैसी चिता जलाई तो पूतना जैसी राक्षसी के जलने पर खुशबू उठने लगी, खुशबू भी ऐसी वैसी नहीं, अद्भुत अलौकिक खुशबू, दिव्य खुशबू। दिव्य अलौकिक उसे कहते हैं जो इस लोक की न हो। परीक्षित महाराज ने पूछा, भगवान आप ये तो बताओ कि ये पूतना तो बड़ी पापिन थी, भगवान को जहर पिलाने आई थी, ऐसी राक्षसी जिसने छोटे छोटे बच्चों को मारा, अब उसके शरीर से खुशबू क्यों उठी, सुगंध क्यों उठी? सुखदेव भगवान ने कहा है, परीक्षित जो थोड़ा सा श्री कृष्ण के चरणों को छू बस ले तो इतना पावन हो जाता है, इतना शुद्ध हो जाता है कि उसे जो देखे बात करे वो सारे संसार को शुद्ध कर दे। अरे इसके तो छाती पे बैठ गए कन्हैया, इनका तो दुग्ध पान कर चुके हैं, फिर इसके शरीर से खुशबू क्यों नहीं उठेगी? ये तो छोटी सी बात है। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित ये पूतना जैसे ही मरी तो दिव्य विमान आए और उन्हें दिव्य देही मिली। बोलो जय श्री कृष्ण। दिव्य
देवियों जैसी देह धारण कर वो वैकुंठ लोक को चली। परीक्षित ने पूछा, भगवान इसके तो इरादे अच्छे नहीं थे, ये तो पापिन मारने आई थी, फिर से वैकुंठ मिला। बोले तो कृष्ण किसी को स्पर्श कर दे, किसी को देख ले, अरे उनका नाम किसी को याद आए तो कितना भी पापी हो वैकुंठ पहुंच जाता है, जैसे अजामिल पहुंच गया कल। सुखदेव भगवान ने एक और राज बताया कि ये जो पूतना है पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी थी रत्नावली। जब वामन भगवान आए छोटे से बटुक बावन बनकर, बावन उंगली के, उनकी सुंदरता को देखकर इसके भीतर वात्सल्य रस उमर पड़ा। वात्सल्य माता का बच्चों के लिए जो होता है, तो कहने लगी, ओह ये बालक कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, काश मेरा बेटा होता, मैं इसे उठाकर गोद में दूध पिलाता। ये केवल मन में सोचा, कहा नहीं किसी से, किसी से भी नहीं कहा, लेकिन सामने कौन थे, भगवान खड़े थे। और भगवान सर्वांतरयामी हैं। सुखदेव भगवान ने कहा है ना कि आप जो मन में विचार करते हो हम भी बाद में समझते हैं, भगवान पहले समझ जाते हैं। 24 घंटे हर व्यक्ति के हर विचार को भगवान देखते रहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और हम कितने भाग्यशाली हैं या कितने अभागे हैं वो हम सोचें कि हम 24 घंटे में भगवान को कितनी देर याद करते हैं। वो तो हमें 24 घंटे याद करते हैं ना, हर विचार जब देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और कृपा भी करते हैं, लेकिन हम कितनी देर उनको याद करते हैं। और जब उनके भाव से भर जाते हैं तो पता नहीं भगवान कितनी कृपा करते हैं, कितने अघनाश हो जाते हैं, कितने पाप कट जाते हैं। ऐसी करुणा सिंधु भगवान है। श्री कृष्ण गोविंद। तो जैसे ही शुभ भावना कि काश मेरा बेटा होता, मैं इसे दूध पिलाती, भगवान ने तुरंत कहा, माँ तथास्तु, इतना प्यार से तुम भाव रख रही हो, मैं तुम्हारा बच्चा बनकर दूध पीऊंगा, छोटा बालक बनकर तुम्हारे गोद में आकर दूध पीऊंगा। भगवान ने मन से तथास्तु कहा, लेकिन जैसे ही भगवान ने विराट रूप धारण किया, एक पग में धरती तो दूसरे में तीनों लोक नाप लिए, उस समय ऐसा गुस्सा आया, ऐसा क्रोध आया कि कहने लगी, अरे ये अगर मेरे गोद में आ जाए इसे जहर पिला दूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। अब भगवान इतने ऊंचे हो गए, इतने ऊंचे कि उनका मुख तो स्वर्ग पार हो गया, वहां से मुस्कुराने लगे। रत्नावली नीचे खड़ी है, कहने लगी, माता तथास्तु, चल तू जहर भी पिला देना। भगवान पूर्ण काम है, हर कामना पूर्ण करते। वही रत्नावली पूतना बन के आई, भगवान को दूध भी पिलाया और जहर भी पिलाया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद। भागवत के दूसरे शास्त्रों में, संत महात्माओं में ध्यान दें तो एक असुर कौवे के रूप में आया, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया शिशु अवस्था में। उसका नाम था कागासुर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक दिन भगवान ने करवट बदली। ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी कथा। क्या क्या किया भगवान ने, करवट बदली। और जो पता पड़ा यशोदा मैया ने देखा, अरे कान्हा ने करवट बदली। अभी भगवान का नाम नहीं धरे हैं, ध्यान से, अभी नाम धारण भगवान का नहीं हुआ। तो यशोदा मैया तो तुरंत बुलायो नाई, जाओ फिराओ दुहाई कि करवट बदलियो कन्हाई। बड़ा उत्सव हुआ गोकुल, फिर उमड़ घुमड़ आई, उन्हें तो बहाना चाहिए कन्हैया को देखने के लिए। अब सब नाचने गाने लगे। यशोदा मैया ने सोचा, ये सब नाच गा रहे हैं, उधम मचा रहे हैं, बेचारा कन्हैया तो नींद कर नहीं पाएगा। क्या किया, उनका झूला उठाकर उनका जो आसन बाहर लगा दिया आंगन में, और महल में सब नाच गा रहे हैं। बाहर आंगन में शकट पड़ा था, जो बैलगाड़ी होती है बिना बैलों के, उनके ऊपर दूध मलाई रबड़ी घी मेवे सब भरे पड़े थे। उनके नीचे उनका पालना रख दिया खुला हुआ। अब कन्हैया ने कहा, देख लो भाई इनकी बात, हमारा जुलूस निकाला, हमारा उत्सव मना रहे, हमारे गीत गाए जा रहे और हमी को बाहर निकाल दिया, ये तो अच्छी बात नहीं है।
अरे मैया हमको भी साथ ले लो, हम भी तो थोड़ा उत्सव देखें। अब मैया कहां सुनने वाली थी, धीरे धीरे कन्हैया ने ऊं करके रोना शुरू किया, मैया ने नहीं सुना। जोर से रोए तो भी मैया ने नहीं सुना। बोले अब तो कुछ करना पड़ेगो, का करना पड़ेगो। इतने चरण उठाए जो ऊपर बैलगाड़ी रखी थी उसको थोड़ी सी ऐसे टच कर दी, अपनी लात मारी, हल्की सी चरण स्पर्श किया, महाराज बैलगाड़ी उड़ गई। ऊपर उड़ के धम्म से नीचे गिरी, जोरदार विस्फोट हुआ, आवाज हुई, अब तो सबकी सब दौड़े दौड़े आई। बोले एक नहीं आती थी, अब सबकी सब आ गई। यशोदा मैया हैरान हुई, कमाल हो गया, ना आंधी आई ना तूफान आया, ये शकट कैसे उड़ गया, ये बैलगाड़ी कैसे पलट गई, समझ में नहीं आता। लाला को उठा लिया, लाला तो ठीक है। फिर दुग्ध पान कराया। इतने में ग्वाल बाल जो छोटे बच्चे एक दो खड़े थे वो दौड़े आए, बोले मैया मैया मैं बताऊं कैसे गाड़ी गिरी, बता लाला कैसे गिरी। बोले तेरो लाला है ना रो रहे हो, तो मैंने सोचो कि मैं मैया को दे आता हूं, बेचारो रो रहे हो है। जैसे ही पास आ रहे थे, पास आयो, इस लाला ने लात उठाई और जैसे ही लात मारी तो उड़ गई गाड़ी। बड़े बूढ़े खड़े थे पगड़ियां बांधे, यशोदा मैया खड़ी थी, लाला ठीक से नींद नहीं आई तो है। बड़े बूढ़े कहने लगे क्यों रे छोरे नशो करके आयो है, है? भांग खा के आयो है, लाला ने लात मारी उड़ गई गाड़ी, तेरे बाप ने उड़ाई गाड़ी, भाग यहां से। बोले हम कसम खाते हैं। बोले झूठी कसम। बोले आपके बाप की कसम। बोले छोरे हमारे बाप की। बोले हम सच कहते हो, सौगंध खा के कहते। यशोदा मैया नहीं मानती, नेक सु लालो कैसी गाड़ी गिरावे को, चल छोरे भांग खा के आयो है, भगा दिया बच्चों को, उनकी कोई सुनता ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। अंदर लेके आए, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल दामोदर। एक दिन मैया ने आंगन में कन्हैया को दूध पिलाया, बड़े प्यार से लोरी सुनाई। इतने में कन्हैया ने देखा कुछ हवा चल रही है। कंस ने भेजा एक राक्षस को, तृणावर्त को। तृणावर्त जानते हैं, तृण का आवर्त, जैसे कभी कभी जोर की हवा चलती है तो ऐसे गोल गोल हवा चलती है, बीच में जो चीजें हो गोल गोल घूमने लगती हैं, जो भी कचरा हो कागज हो और कई भारी वस्तुएं भी उड़ जाती हैं, छतें उड़ जाती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अब दूर से कन्हैया ने देखा, समझ गए अरे मैया ने, ये मामा ने उड़न खटोलो भेजो है, अब खूब उड़बे को मजो आवेगो, लेकिन मैया छोड़ेगी तब तो। अब क्या किया कन्हैया ने, धीरे धीरे वजन बढ़ाया माँ के गोद में। मैया ने सोचा नेक सो लाला कैसे बढ़ गयो, शायद दूध ज्यादा पी होवे को। मैया सोचती है दूध ज्यादा पी गया शायद, नीचे रख दिया। बोले लाला तू आराम कर, मैं अभी आती हूँ, तू खेल तब तक, तेरा दूध हजम हो। अब यशोदा मैया तो घर में चली गई और तृणावर्त आ गया। अब कन्हैया को गोल गोल जूम करके से लपेटा और उड़ चला। अब तो पहले तो हमारे कन्हैया ने बढ़िया सीर करी, बढ़िया, ये गोकुल वृंदावन भांडीर वन उपवन मधुबन निधिवन सबकी सैर करके बोले खूब मजो आयो। और आगे जैसे बढ़े तो कन्हैया ने गला पकड़ा तृणावर्त का। अब तृणावर्त छटपटाने लगा कि नेक सो लाला इतना भारी कैसे हो गए हो, अरे कारो कारो लाला है कि कोई कारो पत्थर तो नहीं उठा लायो। कन्हैया ने कहा नालायक, हाँ हमें कारो पत्थर कह रहे हो है, लोग पत्थर में भी मुझको देखते हैं, तू साक्षात कृष्ण में पत्थर को देख रहा है, अभी पत्थर से पटक कर तुझे गोलोक पहुंचाऊंगा। ऐसा वजन भगवान ने बढ़ाया और देशला पर पटक कर उसको भी, बोलो श्री गोपाल नमो नमः, उसे भी वैकुंठ धाम पहुंचा दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। दौड़ दौड़ के यशोदा मैया आई, फिर वही पूंछ का झाड़ा गोरोचन और नजर वजर उतार के पता नहीं क्या मुसीबत हो गई लाला के ऊपर, रोज कोई ना कोई संकट आ रहे है। हे शिव जी आप कृपा करो, मेरे लाला पे दया करो, इसके संकट निवारण करो। तीसरे दिन भोलेनाथ भंडारी पहुंच गए। बोलो गौरी शंकर भगवान की। शिव भगवान आज लाला के दर्शन करने आए हैं। जब भी कन्हैया अवतार लेते हैं, राम जी अवतार लेते हैं, शिव जी जरूर आते हैं। आते ही शिवजी ने डेरा जमाया और चिल्ला के कहा लख निरंजन। बोलो ना, यशोदा मैया आई,
कहां है नंद नंदन? बोले महाराज प्रणाम स्वीकार करें, हमारे बड़े भाग, आप कहां से पधारे? बोले सीधा कैलाश से आ रहे हैं। अच्छा, वाह वाह, बैठिए महाराज, क्या लेंगे? चावल, दही, दूध, घृत, माखन, मेवा, गौदान लेंगे? 20-25 गाय दे दूं? बोले हम सन्यासी आदमी कहां गाय संभालेंगे। दूध पिला दे महाराज। बोले भरपेट खाना खाया हुआ है। अरे तो महाराज कुछ दक्षिणा चाहिए? बोले नहीं नहीं नहीं, तो क्या चाहिए? मैया लाला का मुखड़ा दिखा दे। यशोदा मैया ने कहा राम 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 राम। महाराज आप बुरा मत माने तो एक बात कहें। हाँ हाँ बोलो मैया। क्या? बोले हम दूर से आए ना, पहले तो हम डर गए आपको देख के, ऐसा डर गए अंदर चले गए, फिर सोचा कि साधु हैं, इनसे डरने की बात नहीं, आपका स्वरूप देखकर आपको राख लगी पड़ी है महाराज, भारी भारी जटा, ये लंबा त्रिशूल आपका, और देखो तो ये सर्प, राम 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 राम, ये नाग लपेटे हमारा लाला, उसको आपको दिखाए, हम तो सोच भी नहीं सकते। बेचारे शिव जी परेशान हुए, बोले कैलाश छोड़कर आए दर्शन करने के लिए, लेकिन मैया कैसे आवेगो कन्हैया? बोले हम कुछ नहीं चाहते, हम आशीर्वाद देंगे आपके लाला को। बोले महाराज आशीर्वाद यहीं से दे डालो, वहां पहुंच जाएगी। मैया हम कहते हैं एक बार झलक दिखा दो ना, और जो चाहिए बोलो, तो आपका त्रिशूल पुराना हो गया है, सोने का बनवा दूं? बोले सोना तो छोड़िए, तब तो साधु बने हैं, हीरे मोती दे दूं, धन दौलत दूं, बंगलो बना दूं? बोले नहीं, हम पहाड़ पे ठीक हैं, पेड़ के नीचे। बोले लेकिन लाला को मुड़ो तो मैं ना दिखाऊं। मैया क्यों नहीं दिखाएगी? बोले आपके सांप, आपका भेष, आपका वेश काना को लगेगी ठेस, वो तो रोने लगेगो महाराज, पहले ही रो रहे हो। और ये क्या है महाराज? गोल गोल, शिव जी से पूछा ये गोल गोल क्या है? बोले मैया ये नरमुंड की माला है, राम 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 राम, नरमुंड की माला। ये सांप मेरो लालो तो चित्र देखे तो डर जाए महाराज, मैं हाथ जोड़ती हूँ। बोले मैया तू प्यार से नहीं दिखाएगी तो हम भी जिद्दी हठी साधु है। बोले क्या करेगो, बैठ जाऊंगो तो बैठे रहो, तो लालो जब निकलेगो तो दर्शन करूंगो। बोले मैं द्वार बंद कर दूंगी। मैया द्वार बंद कर देगी तो लाला कहां से निकलेगो? मेरे यहां 85 द्वार है मैया, तू भी नहीं जानती, मैं 85 रूप धारण करके 85 दरवाजे पे बैठ जाऊंगो। बोले तू बैठ जा महाराज, हम 85 दरवाजे बंद कर देंगे, फिर बोले लाला को भीतरी 100 बरस को बूढ़ो कर देंगे, पर तो ये नहीं दिखाएंगे। अब तो शिव जी, शिव भगवान हार गए। बोले बड़े बड़े असुर आ जाएं तो हम लड़ाई कर लें, लेकिन ये मैया इनके आगे तो हम भी हार गए, कन्हैया भी हार गए। अब भीतर भीतर इंटरकॉम लगाया, भीतर ही आत्मिक फोन लगाई, नंबर डायल किया और कहने लगे कन्हैया बीच में आ गई यशोदा मैया, अब हम क्या वापस जाएं, खाली जाएं, आज क्या दर्शन नहीं होवेगो? कन्हैया ने कहा हम क्या करें, हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते। बोले महाराज बोल नहीं सकते, सारी दुनिया चलाते हो, हम क्या करें, बोलो हाँ बोलो। बोले बोल नहीं सकते, रो तो सकते हो? बोले हाँ रोना तो खूब आता है, रो सकते हैं महाराज, ये बताओ। तो बोले आप रोना शुरू करो, बाकी हम संभाल लेंगे। वो जो कन्हैया ने रोना शुरू किया, सुनंदा बुआ कहने लगी, सखियां कहने लगी का हो गए हो, इसके लिए साधु को दिखाना पड़ेगा, नजर उतारनी पड़ेगी। बोले कोई साधु ब्राह्मण को बुला। बोले बाहर ही एक साधु खड़े हुए। बोले वो साधु? बोले हाँ। अरे ना ना ना, वो तो जिद कर रहे हो। बोले अरे मैया दिखा दे, साधु है, कितनों तेज है उसके शरीर में, लेकिन मुझे डर लग रहा है। बोले कोई डर मत, संत महात्मा कभी अनिष्ट नहीं करते, चलो हमारे साथ। और एक साधु को नाम सुन के कन्हैया कैसे कान खड़ो कर रहे हो, लाला कैसे देख रहे हो, गोद में चिपका के यशोदा मैया कन्हैया को जैसी बाहर लाई तो शिव जी के नेत्र सजल हो गए, देखने लगे टकटकी लगा के, और जो सामने आए तो फिर कान्हा का पूरा रोना बंद। देखा देखा यशोदा, कहा ना ये बहुत पहुंची हुई साधु है, देखा अरे लाला तो मुस्कुरा रहे हुए, अब तो खीखी करके हंसने लगे। अब बाजी उल्टी हो गई, कन्हैया हंसने लगे, शिवजी रोने लगे प्रेम में, गोद में उठाकर कन्हैया के लाल लाल चरण कभी आंखों से लगाते, कभी मस्तक पे लगाते, कभी गोद में उठाते। कन्हैया कहते हैं बाबा ये क्या कर रहे हो है? बोले महाराज यही तो मौका है, जब आप बड़े बन जाते हो फिर तो चरण छूने नहीं देते। हाँ अभी तो पूरा मौका, अब तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, अब तो हमारी चलने वाली है। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़े प्रेम से गले लगाकर और निहार कर हृदय में
छवि बंद करके शिव जी नचाते हुए कन्हैया को यशोदा मैया को देते और कहते हैं आज से इसका रोना बंद, अभी कभी नहीं रोएगो। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा रोएगो? नहीं, बिल्कुल नहीं रोएगो। मैया एक काम करना, जब इसको नहलाएगी ना तो शिव द्वारा रख लेना, इसका जल थोड़ा शिव द्वारे पर पड़ना चाहिए। बोली भाली यशोदा मैया समझी नहीं, यानी शिव जी का मतलब था कि स्नान करे तो स्नान के जल के छींटे हमारे ऊपर पड़े। बोलो गौरी शंकर भगवान की। तभी तो शिव जी ने कहा हीरे मोती हम नहीं चाहे, मन की बात बता दे, तेरे लाल का सुंदर मुखड़ा हमको आज दिखा दे। इस तरह भगवत दर्शन कर शिव जी हृदय में मिठाकर हरि को कैलाश धाम चले। जैसे चरण ले गए, एक एक चरण पर दिव्य फूल बरसने लगे। नंद बाबा समझ गए ये कोई जोगी मामूली नहीं, कोई साक्षात देव पधारे थे, पर वो तो देवों के देव महादेव थे। बोलो महादेव भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद वासुदेव गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल। एक दिन सात संगत जी वसुदेव बाबा गोकुल में आए। अब नंद बाबा को मौका मिला, रही वसुदेव बाबा कौन है? वसुदेव बाबा ये वसुदेव बाबा माफ कीजिए वसुदेव कुल के महर्षि जो थे गर्गाचार्य महाराज, वसुदेव जी के पूरे कुल परिवार के वही एकमात्र महात्मा थे जो सब कार्य करवाते थे, उनके नामकरण वगैरह जो भी होते हैं पुरोहिती पूरी वही संभालते थे। परमात्मा जिनके अनंत नाम सदा से हैं, लेकिन एक लीला में देखो परमात्मा को भी नाम देने वाले गर्गाचार्य महाराज। तो गर्गाचार्य महाराज पधारे, सुखदेव भगवान कहते हैं ये यदुकुल के पुरोहित हैं, और ब्रज में आए तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए और बड़ी आवभगत करी, दंडवत करी, सिंहासन पर बिठाया, आरती उतारी, बड़े भाग समझे, चरण धोए, चरणामृत लिया और कहने लगे आज भले भाग हमारे जो आप आए हैं महाराज, एक विनती करें, क्या हमारे यहाँ दो लाला बहे हैं, एक बड़ो एक छोटो, एक गोर एक श्याम, महाराज दोनों को राशिफल देखो। अब गर्गाचार्य तो अंतर्यामी थे, बोले अच्छा राशि देखी, हाँ तो नाम क्या धरे हो है? बोले नाम ही तो नहीं धरे हो है, कंस के डर से नामकरण भी नहीं हुआ था। तो बोले नाम नहीं तो फिर राशिफल कैसे देखेंगे? तो महाराज आप ही नाम धर दो कृपा करो। बोले नहीं हम नाम धरेंगे तो कंस को पता पड़ जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी, बहुत हल्ला होता है तुम्हारे यहाँ, पूरी ब्रज उमड़ घुमड़ आती है। बोले नहीं कानों कान किसी को पता नहीं पड़ेगा महाराज, आप चलो गौशाला में, कोई नहीं केवल गाय हैं, हम गोपाल को लाला जी को लेकर आते हैं लाला को। बोले ये ठीक रहेगा। गर्गाचार्य चले गौशाला में, ध्यान से सुनना, परमात्मा सचिदानंद श्री कृष्ण का नामकरण कहाँ? गौशाला में हो रहा। हम शुद्धता पवित्रता नहीं देखते, जगह भी देखनी चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। अब जैसे ही गर्गाचार्य महाराज पहुंचे तो यशोदा मैया रोहिणी मैया को नंद बाबा ने कहा तुरंत लाला जी को लेकर चलो, इनका नामकरण करेंगे। तो यशोदा मैया रोहिणी मैया के मन में आया कि देखें तो ये बाबा जी कैसे पहुंचे हुए हैं कि ऐसे खड़िया पलटन डोले ना आए, क्या करें? बोले परीक्षा लेते हैं। कैसे परीक्षा लेंगे? बोले छोरे की अदल बदली कर देते, मतलब? बोली रोहिणी दीदी एक काम करो, क्या ये लाला मुझको दे दो। तो बलदाऊ को तो यशोदा मैया ने उठा लिया और कन्हैया को रोहिणी मैया की गोद में दे दिया। बोले अब चलो, महात्मा जब खुद बताएं कौन किसका बेटा है। दोनों चली, सामने पहुंची, गर्गाचार्य महाराज के दर्शन हुए। गर्ग पुरोहितो राजन यदुना सुमहातपाः ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदित।
जो भगवान का नामकरण करे वो महात्मा कैसे होंगे, उनको तो परमात्मा प्रेम करते। जैसे रोहिणी मैया आई, यशोदा मैया आई, दोनों बालक आए तो यशोदा मैया के गोद में दाऊ जी थे, पहली नजर उधर गए। यशोदा मैया ने कहा, बाबा जी बताओ इसको देखो क्या नाम धरेंगे इसका। तब गर्गाचार्य महाराज ने कह दिया कि मैया तुम्हारे जो गोद में लाला है वो तुम्हारा नहीं, वो रोहिणी का है, और रोहिणी के गोद में जो लाला है वो तुम्हारा है। अरे दोनों संकोच करने लगे, महात्मा तो सच्चो है, ये ऐसे नहीं खड़िया पलटन डोले ना ही तो पहुंचो वो महात्मा है। बोले महात्मा बाबा जी आपने सच कहा, बिल्कुल सच, लेकिन दोनों लाला में हम तनिक भी भेद ना करें। ये यशोदा मैया ने भी सच कहा, कोई भेद ना करे, जैसे इसको लाला वैसे मेरो लाला। बोले ये भी सच है, तो फिर बताओ इसको क्या नाम होवेगो। तब गर्गाचार्य कहने लगे, अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन सुहृदो गुणे आख्यास्यते राम इति ही बलाधिक्याद बलं विदु यदु नाम प्रथक भावा संकर्षण मुष्यंत्युत। मैया आपके जो गोद में है बहुत बलशाली, बहुत बलशाली है। वैसे तो इसका नाम है राम, लेकिन बल इतना अधिक है कि राम के आगे जुड़ेगा बल, नाम पड़ेगा बलराम। बोलो बलराम जी महाराज की। मैया ये संकर्षित करके भी लाया गया है, इसका संकर्षण हो चुका है, यानी एक गर्भ से दूसरे गर्भ में पहुंच चुका है, बताया नहीं कैसे, तो इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। और ये छोटे भाई का बड़ा भाई है तो लोग इसे दाऊ भी कहेंगे, दाऊ दादा, और भी बहुत सारे इसके नाम हैं। वाह वाह बहुत प्यारो नाम धरियो है बाबा, अब छोटे छोरे को भी तनिक नाम धर दो। अब जैसे कन्हैया की आई मारी और सूरत निहारी, गए वारी वारी तो खुद को भूल गए, कन्हैया को देखा मुंह खुल गया, आंखें खुल गई, सांस बंद हो गई, आवाज बंद हो गई, ऐसा स्वरूप देखकर अवाक रह गए, ध्यान में चले गए, क्योंकि तो साक्षात परमात्मा है। 5, 10, 15, 20 मिनट आधा घंटा देखती रही रोहिणी मैया यशोदा मैया कि बाबा नाम सोच रहे होवे को, लेकिन काफी देर लग गई तो धीरे धीरे कहने लगी, बाबा काब है वो नाम याद नहीं आयो क्या। बाबा जी जवाब ही नहीं दे रहे, बाबा जी को काब है वो, अरे बाबा जी क्या नाम धरेंगे, बाबा जी जवाब नहीं देते, ऐसी हाथ हिलाया बाबा जी को पता ही नहीं, ऐसी समाधि लग गई। एक समाधि होती है आंख बंद करके हम जो ध्यान लगाते हैं, इसको कहते हैं त्राटक समाधि, आंखें खुली मुंह खुला और गए समाधि में। हरे कृष्ण। अब बाबा जी न हिलते डुलते हैं, खड़े खड़े समाधि लग गई। अब तो रोहिणी मैया डर गई, बोले बाबा जी पधार तो नहीं गए हो। यशोदा मैया रोने लगी, हमारे ऊपर कलंक लगेगो, हमारो ही घर मिलो ऐसो नहीं होएगो। अरे नारायण 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 रक्षा करो प्रभु। अरे बाबा जी जैसे थोड़ा हिलाया तो बाबा जी होश में आए, हाँ हाँ क्या हुआ, अरे बाबा जी इसका नाम, हाँ हाँ नाम बताते हैं, इसका मैं क्या नाम बताऊ, इसके तो बहुत सारे नाम है, अरे विष्णु सहस्त्र नाम इसी का है, गोपाल सहस्त्र नाम इसी का है, श्री राम सहस्त्र नाम इसी का है। बोले ओ बाबा हमको लाखों नाम से कम नहीं, एक ही नाम बता दो, लाख नाम हम क्या करेंगे। तो बोले माँ फिर इसका एक नाम बता रहा हूं, क्या, कृष्ण। हाँ ये नाम तो बड़ो मीठो है महाराज, पर थोड़ा कठिन लग रहा है, चले वो नाम तो बड़ो मीठो है, सुन के कानों में जैसे शहद घुल गई, आनंद आ गया, ऐसा अमृत नाम। मैया इसके बहुत सारे नाम है, बहुनि संत नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। इसके तो इतने नाम, नामों की क्या कहें, वेद भी नहीं जानते, लेकिन कृष्ण ये सबको खींच लेगा। मैया कर्ष्यति इति कृष्ण, जो मन हर कर ले, चित हरण कर ले, एक बार जो देखे देखता रह जाए, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा।
ये चित जोर बनेगा, सबका प्यारा दुलारा बनेगा। गदगद हो गई मैया और कहने लगी, बाबा जी और भी कुछ बता दो। बोले कितने नाम इसके बताऊं, कभी श्वेत वर्ण में आया, कभी रक्त वर्ण में आया, इस बार ये श्याम वर्ण में आया है, श्याम रंग का। बहुत सारे इसके अनंत नाम है मैया, इसकी महिमा वेद भी नहीं जानते। बोले ज्यादा हमें कुछ मत बताओ, इतना बताओ कि महाराज ये धंधा क्या करेगो, हमारो काम क्या संभालेगो। गर्गाचार्य ने देखा, बोले मैया ये तो बहुत बहुत बड़ो आदमी, काम क्या करेगो, बहुत बड़ो चोर बनेगो। यशोदा मैया चुप, बोले चोर बनेगो, 9 लाख गैया हमारे पास, बोले कुंडली तो ऐसी बता रही है। महाराज चोर बनेगा तो फिर तो इसकी शादी नहीं होगी, कौन विवाह करेगो। बोले देखता हूँ मैया, विवाह विवाह। बोले हाँ विवाह। बोले क्या नहीं होएगो, बहुत विवाह होएगो मैया। अच्छा 2 शादी करेगो, बोले नहीं। 4 करेगो, बोले नहीं। तो क्या 100 शादी करेगो, बोले नहीं। तो क्या 1000 करेगो, बोले नहीं। तो कितनी शादी करेगो, बोले 16000 से ज्यादा करेगो। बोले बाबा हम ही मिले आज मजाक करने के लिए, आपको और कोई नहीं मिला। बोले मैया सच कहता हूँ। बोले आप, हम समझ गए आज आप मजाक के भाव में हैं, महाराज आप कृपा करो, खूब आशीर्वाद दो, छोरों फले फूले और चिरायु होवे। बोले मैया इसका तो नाम धरते धरते हम अपना ही नाम भूल गए हैं, श्री कृष्ण गोविंद। इस तरह भगवान का नामकरण हुआ। आगे अब धीरे धीरे भगवान बढ़ने लगे, कहन लगे मोहन मैया मैया, पिता नंद सो बाबा बाबा, अरु हल धर सो भैया। कहन लगे मोहन मैया मैया, कभी कभी मणियों में अपनी छवि देख लेते तो उसे भी माखन खिलाने लगते। एक बार तो घड़ी में माखन चोरी की, देखा मणियों में अपनी छवि नजर आई, डर गए, बोले इसने मुझे देख लिया। अरे माखन उठा के कहने लगे, देख भैया तू भी चोर मैं भी चोर, चोर चोर मौसे रे भाई, मैया को मत बताना, आधा तू ले आधा मैं, बराबर कर देते हैं। और उठाया मक्खन और खंबे पे लगाया। यशोदा मैया हंस हंस के लोटपोट होने लगी, लाला का कर रहे हो है, बात मना ली। मैया देख चोर 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 आ गए हो, माखन चुरा के जा रहे हो, देख। माँ ने गोद में उठा लिया। नाम कहने को तो कृष्ण और बलराम रखे, लेकिन यशोदा मैया कहती है बहुत कठिन नाम है कृष्ण, कई लोग तो बोल ही नहीं पाते, कृष्ण कृष्ण बोलते। राजस्थान में किशनगढ़ नाम ही पड़ गया, बोलो जय श्री कृष्ण, कृष्णगढ़ होना चाहिए ना किशन, तो नाम ही पड़ गया किशन। और बलराम कौन बोले, तो बोले हम तो शॉर्टकट से नाम चला लेंगे, कैसे, बोले बलराम को बोलेंगे बलुआ, तो कृष्ण को बोले कनुआ। अब कनुआ और बलुआ से ही काम चला लेते, कभी कान्हा तो कभी कन्हैया, कभी श्याम। श्री कृष्ण गोविंद। अब थोड़े से बड़े हुए कन्हैया, अब ठुमक ठुमक चलने लगे। एक बार तो चौखट पे लटक गए, 2 साधु जा रहे थे, बोले निर्गुण ब्रह्म कैसा होता है, कहाँ होता है। बोले वो देखो निर्गुण ब्रह्म नंद बाबा के चौखट पे लटक रहा है, एक महात्मा ने कहा। कन्हैया ऐसे लटके कि न बाहर गिर रहे हैं न भीतर उतर रहे हैं, मैया मैया कह के चिल्ला रहे हैं। यशोदा मैया ने गोद में उठाया, कभी गाय की पूछ पकड़ते तो पीछे पीछे दौड़ते जाते, बोलो जय श्री कृष्ण। कभी बैलों के पास चले जाते, 24 घंटे मैया को निगरानी करनी पड़ती। कभी कोई गोपी देखी तो यशोदा मैया समझकर पीछे पीछे चलने लगते, और जो गोपी मुंह फिरे हाँ ये तो मैया नाए है, फिर रोने लगते, फिर मैया आती पीछे पीछे। वो सबके काम करते थे 2 साल से, कोई कहता बाट लेकर आओ बाट लेकर आते, कोई बूढ़ा बुजुर्ग खड़ा होता तो चप्पल हाथ में लेकर आते, भागवत में लिखा, बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद। एक बार की बात, कन्हैया धीरे धीरे कभी घुटनों के बल चलते हैं, उठते हैं लड़खड़ाते हैं फिर गिर पड़ते हैं। एक दिन नंद बाबा पूजा कर रहे थे, शालीग्राम भगवान की होता है ना काला काला शालीग्राम, गुलाब जामुन जैसे होता है, वो रख के पूजा कर रहे थे कि घुटनों के बल बांबड़ा पाइंदो पाइंदो कन्हैया आयो।
और रोज देखता कन्हैया नंद बाबा शालीग्राम को, पहले तो बढ़िया दूध से नहलाते हैं, फिर शहद से नहलाते हैं, फिर माखन में डुबाते हैं, फिर गंगा जल से नहलाते हैं, फिर जाके चोखा चोखा रखते हैं, बड़ो मीठो हो गए होए को, रसीलो हो गए होए को। और जैसे ही दूध शर्करा से नहला के नंद बाबा ने रखा, आंखें बंद करी और प्रार्थना करने लगे, भगवान कब पास आओगे, कब पास आओगे। कन्हैया पास आ गए, बोले मैं आ गए हूं। नंद बाबा की आंखें बंद और कन्हैया की आंखें शालीग्राम पे, शालीग्राम उठाया और गुलाब जामुन समझ के गटक गए। अब देखने लगे वो स्वाद कहाँ गए, शहद कहाँ गई, घुमाने लगे चारों तरफ मुंह में। इतनी देर में 5-10 मिनट पूजा करके नंद बाबा जय हो मेरे शालीग्राम की, देखा शालीग्राम गायब। चिल्लाने लगे अरे शालीग्राम कहाँ गया, इधर देखा उधर देखा, चिल्लाने लगे ओ महर ओ यशोदा, अरे शालीग्राम कहाँ गया। यशोदा मैया खोजने लगी, हमें क्या पता, आप सामने पूजा कर रहे हैं आपको पता, अरे मैंने आंखें बंद की, भगवान नाराज तो नहीं हो गए, कोई गलती तो नहीं हो गई, अंतर्धान हो गए भगवान, कहाँ चले गए। सब खोजने लगे, कहीं नहीं मिले भगवान। अब नंद बाबा कन्हैया को देखे, अरे कन्हैया तूने शालीग्राम भगवान देखे हो। अब कन्हैया का तो गाल ऐसे फुटबॉल की तरह फूला हुआ था, इतने से थे। बोले अरे तूने मेरे भगवान देखे हो। अब शक हुआ, अरे तू मुंह काहे नहीं खोले, तेरे मुंह में क्या है, खोल मुंह। अब एक गुलाचा दिया खींच के नंद बाबा ने, तो दुबक से सीधा शालीग्राम पास आकर गया। अरे मेरा शालीग्राम खा गया, मेरे शालीग्राम भगवान को झूठो कर दियो, कैसे ये छोरो संभाल। यशोदा, यशोदा मैया ने कहा क्यों चिल्ला रहे हो, बेचारा छोटा सा तो ऐसे क्या पता शालीग्राम, ये तो गुलाब जामुन समझ के गटक गए हो एको। बोलो जय श्री कृष्ण। यशोदा मैया ने समझाया ये भगवान है। कौन है ये, बोल ये भगवान है। कन्हैया कहते हैं ये भगवान है। अरे तू नहीं, ये भगवान है। अच्छा मैया ये भगवान है, हम सच्चू भगवान सामने खड़े हैं वो पूछती नहीं मैया, शालीग्राम डालते तो हमको चमाट पड़ती है, लेकिन हम क्या करें, हमारी तो चलने वाली है नहीं। श्री कृष्ण गोविंद। एक बार क्या हुआ, दोनों गए कृष्ण बलराम, जाकर खेलने लगे। एक बैल बैठा हुआ था नंदी, ये 10-15 फिट चौड़ा, 20 फिट। अब हट्टा कट्टा बैल, बड़े बड़े सींग, तो कन्हैया गए सींग पे छोटे छोटे हाथ घुमाने लगे, कभी नाक पकड़ने लगे। अब नंदी यूं यूं करे, फिर उसके सींग पकड़े। थोड़ी देर तो नंदी देखते रहे, पीछे बलराम जी आए और पूंछ उठाकर ऐसे गोल गोल घुमाने लगे जैसे अगरबत्ती घुमाते। और थोड़ी देर तो नंदी देखते रहे, बैल देखता रहा, फिर ज्यादा जब सहन नहीं हुआ तो उठ के खड़ा हो गया। अब पूंछ पकड़ी, पूंछ छोड़ के सींग पकड़ा, एक सींग पे कन्हैया तो दूसरे सींग पे दाऊ, छोटे छोटे, और बैल उठ खड़ा हुआ 10 फिट लंबा चौड़ा। उठ के तो दोनों ऐसे तुरही जैसे लटक गए, लौकी जैसे, और चिल्लाने लगे मैया बचाओ मैया बचाओ मैया बचाओ। और जैसे चिल्लाते वो बैल जोर से दौड़ा आगे, दौड़ के जैसे भागने लगा। पीछे यशोदा मैया, रोहिणी मैया, नंद बाबा, आगे आगे बैल दौड़े और मैया बचाओ मैया बचाओ। आगे जाके गोबर का ढेर था, वहां के बैल ने दोनों पैर के आगे ब्रेक लगा दी, जैसे रुका तो उछल के सीधा कृष्ण और बलराम गोबर के सीधा ढेर के अंदर, हर हर गंगे। इतनी गर्दन बची रही, मैया मैया बचाओ मैया, मैया लेके आई और आके फिर स्नान कराया, गुलाब जल से खूब नहलाया और कहने लगी दारी के ब्रज में ये प्रेम की गाड़ी है। श्री कृष्ण गोविंद। ये सिंधी में चवंदा डाड़ो चंडो आती, प्रेम जी भाषा, ब्रज भाषा। यशोदा मैया कहने लगी दारी के तो एक कितनो नहलाऊं कितनो धुलाऊं, फिर जाके गोबर में खेले। अरे दारी के तू तो मोहे पिछले जन्म को सूकर दिखे। बोलो जय श्री कृष्ण। सूकर याने सुवर, सुवर याने भगवान ने वराह अवतार लिया था ना, कथा सुनी ना आपने पहले दूसरे दिन, कि पृथ्वी को उबारा भगवान ने तो खीखी करके हंसने लगे। दाऊ ने कहा काय हंस रहे हो है, कन्हैया ने कहा मैया ने पहचान लियो सूकर दिखे। बोलो वराह भगवान की।
अब धीरे धीरे बाहर निकले, कन्हैया के बहुत सारे दोस्त बन गए। एक दिन मित्र मंडली बैठी, भगवान के बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कनाई बलदाऊ सुबल सुदामा श्रीधाम मन सुखा अर्जुन विजय स्तो कृष्ण अर्जुन, ये सब ब्रजवासी जो दोस्त हैं। एक सुदामा वो अलग हैं जो बाद में आएंगे, ब्राह्मण सुदामा, ये श्रीदामा। भगवान कहते हैं भाई एक काम करो, आज हम नया खेल खेलेंगे। बोले कौन सा खेल खेलोगे सरकार? बोले चोरी चोरी। बोले दारी की हमको चोर बनावेगो? बोले एक एक चोरी पहले घर में करके आओ सब, फिर बाहर निकलेंगे। बोले कन्हैया फंसाएगो तू? बोले नहीं करनी पड़ेगी। काहे को चोरी करे? बोले माखन खाने के लिए, पैसे की चोरी थोड़ी ना करेंगे। बोले चोरी तो चोरी है, बोले अपने लिए नहीं। लाला तेरिया तो 9 लाख गौ है, बोले इस मन सुखा को देख कैसे सूखो पत्तो बह हुए। श्री दामा देख इनको दूध नहीं मिलतो, मक्खन नहीं मिलतो, सारो दूध मक्खन जाके मथुरा में बेच देते। गैया चरावे को गोकुल का ग्वाला और माखन खावे को मथुरा का लाला। गैया चराए हम और मक्खन खाए मथुरा वासी, ऐसा नहीं होगा। तुम पहले अपने अपने घर में चोरी करो, और कन्हैया तेरी बात काटी नहीं जाती तो चलो। सबने अपने अपने घर में हाथ साफ किया। अब किसी ने हाथ साफ कर लिया, चुरा लिया, और किसी ने जैसे हाथ साफ किया तो दो हाथ पीछे पड़े। किसी की पीठ सूजी, किसी की गाल सूजे, किसी की टांग टूटी। दूसरे दिन सब रोते बिलखते आए, बोले पहली चोरी में फिलाप भय है। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले घबराओ मत, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत रखो, अब हम मिलके चोरी करेंगे। अच्छा तो हमारे मंडली को नाम क्या होएगो? बोले बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडली। बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडली, ये हमारे मंडली को नाम होएगो। अब सब मिलके चोरी करने लगे। दो चोर बाहर खड़े रहते, दो अंदर जाते, दो परिस्थिति देखते, चार खड़े हो जाते, 10 नीचे खड़े हो जाते, 5 ऊपर चढ़ाते, 2 ऊपर चढ़ाते, फिर कन्हैया लगाते छलांग, सबके ऊपर चढ़ के माखन चुरा लेते। बोलो जय श्री कृष्ण। इस तरह चोरी चलती रही। एक बार सब शिकायतें लेकर आई यशोदा मैया के पास। बछड़ों को खोल देता है असमय, मटकी फोड़ देता है। अरे तो अंधेरा कर दो, अंधेरे में इसके कंगन से रोशनी आती है, देख लेता है। पकड़ लो तो बहाने बना लेता है। कभी कभी इतना हंसता है कि हम गुस्साई भूल जाती है, हम भी हंसने लग जाते हैं, ऐसे खीखी खीखी करके हंसता है। एक गोपी कहती है मेरे यहां चोरी करने आया, मैंने आंखों से देखा, हाथ इसका मटकी में था, मैंने पकड़ा। चोरी चोरी कर रहे हो है तो का कहो? इसने कहा नहीं मौसी, मैं तो सुरक्षा दे रहे हूं। काहे की सुरक्षा? तेरे मटकी में देख चीटी गई, ऐसे रखियो जावे माखन। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसी बातें बना लेता है कि हम देखकर भी चोर नहीं कह पाती। एक गोपी ने कहा मेरे सामने चोरी की, मैंने पकड़ भी लिया और इसने स्वीकार भी किया कि मैंने चोरी की है। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा कैसे? चोरी करते करते पकड़ा गया, मैंने पकड़ा, मैंने कहा लाला अगर तुम्हें भूख लगी है तो मुझसे माखन मांग ले, कितना खाएगा, बैठ के जम के खा माखन। ऐसे दो बाह पीछे करके नेक सो छोरो, कहने लगे क्यों मौसी, तो क्या मुझे भिखारी समझ के बैठी है, है? भूखो पड़े हूं, मेरे बाबा के पास 9 लाख गाये हैं, तो दारी के काय को चोरी कर रहा है, और हमको तो चोरी के माखन में मजो आवे। राजी को माखन नहीं भावे, हमें चोरी के माखन में मजा आता है, घर के माखन में मजा नहीं आता, ऐसी बातें कहता है। बोलो जय श्री कृष्ण। और कन्हैया को बोला, पहले कन्हैया को बोला यशोदा, अब कन्हैया आए, ऐसे बन के खड़े हो गए जैसे साधु महात्मा, जैसे बेचारे जानते ही नहीं, महात्मा बुद्ध जैसे ऐसे खड़े हो गए। गोपियां जो हंसने लगी, इसकी शक्ल मूढ़ो तो देख, कैसे खड़ा है साधु महात्मा बन के, और जब बाहर आता है तो इसकी चाल चलन देख। बोलो जय श्री कृष्ण। एक गोपी ने कहा यशोदा मैं क्या बताऊं? यशोदा ने कहा थोड़ा सा माखन खा भी लेता है तो खा लेने दो। बोले हमने कब मना किया, लेकिन ये अकेला थोड़ी ना खाता है, दोस्त यार बंदरों को खिलाता है, मटकी फोड़ देता है, उधम करता है,
उधम करता है तो माखन छिपा दो। एक गोपी सामने आई, यशोदा मैंने माखन छिपाया, फिर माखन मिला नहीं इसको, फिर ये चुपचाप अंदर आया, सब जगह देखा, माखन जब नहीं मिला तो मेरी लाली सो रही थी, खर्राटे बजा के सो रही थी। अब इसने कहा कि अगर हमें प्रसाद नहीं मिलो तो हम ही प्रसाद दे जाएंगे। क्या प्रसाद दे जाएंगे? धीरे से गया, मेरी लाली की लंबी चोटी खटिया से पटिया से बांध दी, चुटिया बांध दी खटिया से, उसे नींद में पतो ना ही पड़ो, वो सो रही थी। इतने पे चलो जा तो, लेकिन नहीं, धीरे से सोती हुई लाली के कान में जोर से आकर बोलो हवा। अब लाली डर गई, भूत भूत कह के उठी, तो चोटी खींची, फिर तो और डर गई, अरे मैया पकड़ पकड़ मेरी चोटी, भूत ने पकड़ ली। ओ नंद को छोरो भाग गए, हालत खराब मेरी लाली की, मैया भूत चोटी पकड़ी चोटी। मैं आई देखा तो चुटिया तो खटिया से लटकी पड़ी है, बंधी पड़ी है। मैंने चोटी खोली और कहा छोरी ये भूत नंद को छोरो थो, ये नंद का लाला भूत है और कोई नहीं, डर मत। ऐसी करतूत करे, बोलो जय श्री कृष्ण। अब यशोदा मैया तो भीतर ही भीतर हंसते हंसते पेट दर्द होने लगा कि इतना नटखट, ऐसा बदमाश। श्री कृष्ण गोविंद। और सच पूछो तो गोपियां तो बिचारी कृष्ण को देखने आती थी, बहाने बनाती थी, कभी कहती थी यशोदा तेरे यहां थोड़ी सी शक्कर है क्या, शक्कर खत्म हो गई, हाँ हाँ गुड़ पड़ा है ले जाओ, तो इसी बहाने कन्हैया के यहां बैठ जाती आधा घंटा। कोई गोपी आती, देख यशोदा तेरे लिए मिठाई लाई हूं, इतनी सी मिठाई देती और चाट जाती कन्हैया को पूरा गोद में उठाकर। फिर कोई गोपी आती, ये देख तेरे लिए नहीं, अपने बाड़ी की सब्जी, बागवान की, यशोदा खाना, अरे बहन कितना ख्याल करती है, लाला कहाँ है, ये तो बैठे हुए। फिर बैठ जाती, सब गोपियां वहां डेरा जमा के बैठ जाती, और जो यशोदा थोड़ा डांटती तो गोपियां कहने लगती, देख हम इसलिए नहीं आई कि तू इसे डांट चिल्ला, हम तो बस बताने आए हैं। ये लंबी लाइन खड़ी थी। श्री कृष्ण गोविंद। एक दूसरी गोपी आई, इसने कहा हमारे साथ इसने ऐसो उदम करो कि हमें कहने में ला जावे। बुजुर्ग गोपी थी, बोले नहीं नहीं बता दे, नहीं नहीं बता दे। बोले हमारी शादी की 50वीं सालगिरह थी, कल की बात है यशोदा, फिर हम ना पूरा भोजन वोजन कर रहे थे, सब तैयारी कर रहे थे, भगवान को ठाकुर को भोग नहीं लगे, तेरो छोरो आयो। फिर उसने कहा कि हमें खाना जमा दे। बोले लाला अभी भोग लगेगो, भंडारो चलेगो, फिर आके खाना, मैया को भी लेके आना। बोले नहीं हम पहले खाएंगे, पहले हमको भोग लगाओ, दारी के भगवान से पहले तू खाएगो। बोले हाँ हम भगवान है। बोले भगवान है, चल भाग यहां से, हमने भगा दियो। तो जाते जाते उंगली दिखाई, कहने लगो मैया चाची तुझे देख लूंगी। हमने कहा कि बच्चा है, कहते हैं चले गए। बढ़िया भोजन हुआ, भंडारा हुआ, थक हार की रात को छोटा सा दीपक जला के सोए मैं और मेरे पति, 50वीं सालगिरह थी, और जैसे ही सोए आधी रात को ये छोरो आयो, मेरे पति की बहुत लंबी लंबी दाढ़ी, मेरी चोटी दोनों कस के बांध दी। अब रात के अंधेरे में दीपक बुझ गयो, तेल खत्म हो गयो, रात के 1 बजे पानी पीने उठे, जैसे ही मेरो पति उठ्यो तो उसकी दाढ़ी खींची, मेरी चोटी खींची। पति ने कहा अरे का कर रही है, मैंने चिल्लाया का कर रहे हो, का कर रही है, का कर रहे हो, दोनों उठे, कभी वो उठे तो मैं गिर पड़ू, मैं उठूं तो वो गिर पड़े। ऐसे चलते चलते जैसे ही दीपक जलायो, देखो कि 70% पति की दाढ़ी, मेरे चोटी दोनों उखड़ गए। ऐसो ऐसो उधम करे हरे कृष्ण। अब यशोदा मैया तो ऐसी मुंह ढक के हंसने लगती, कैसे करे। श्री कृष्ण गोविंद। अब यशोदा मैया ने सामने कन्हैया को लेकर आई, बिठाई एक गद्दी पर बिठाकर, बता लाला अब का जवाब देगो। लाला ऐसे भोले भाले, मैया मैंने कुछ ना ही, क्यों ये सब झूठ बोलती है, ये झूठ बोलती है। कोई कोई गोपी राजी होकर मक्खन खिला देती, हम खा लेते, मेरा तो 9 लाख गौ है, मैं काहे को चोरी करूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन गोपियां क्या कहती हैं, यशोदा मैया क्या कहती है, बोलो जय श्री कृष्ण। गोकुल के लोगों का सबका कहना है माखन का चोर ये तेरा काना है, चोरी
करके करता बहाना है। गोकुल के लोगों का सबका कहना है, माखन का चोर ये तेरा खाना है, चोरी करके करता बहाना है। गोकुल के लोगों का सबका कहना है, हे गोपाल हे हे नंदलाल, हे गोपाल गोपाल हे नंदलाल। सुन ले काना अपनी करतूती बारी बारी, काने देते हैं मुझको गोकुल के नर नारी। गोपाल प्यारे नंदलाल, माखन चोरा के मटकी खोल देता है, और पकड़ा जाए तो मीठी गाली देता है। माखन का है कैसा दीवाना रे भाई। मैया तू न जाने बड़ी भोली भाली है, मेरी जो चुगली करती वो मन की काली है। ओ मैया प्यारी मैया, माखन दिखा के मुझे बुलाती है। आजा कन्हैया आजा, माखन खावे को। हाँ माखन खाऊंगा, तेरे बाप को माखन है, माखन खाएगो। चल पहले काम कर, चल झाड़ू लगा, बर्तन मांज, गोबर उठा, छेना उठा। माखन देखा कि ये मुझे बुलाती है, फिर अपने घर का सारा काम कराती है, झाड़ू लगा बर्तन मंजवाती है। बाल क्रीड़ा समासक्तो नवनीतस्य तस्करः, गोपाल कामिनी जारस चोर जार शिखामन। कन्हैया की ऐसी लीलाएं हैं, दिमाग से कभी नहीं पकड़नी चाहिए, केवल प्रेम से ही पकड़ में आ सकती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, बोलो जय श्री कृष्ण। एक दिन की बात, पूरी टोली लेकर कन्हैया प्रभावती के घर निकल गए, और संयोग की बात जो प्रभावती गोपी थी उसका जो बेटा था वो भी कन्हैया के गैंग में शामिल था, बोलो जय श्री कृष्ण। और बेटे बताते थे, कन्हैया आज हमारे घर में आई हो, आज दरवाजो खुलो रखूंगो। कन्हैया गए, प्रभावती रोज कहती थी एक दिन छोरे को रंगे हाथों पकड़ूं, यशोदा को सौंपूं, एक दिन छोरे को रंगे हाथों पकड़ूं, कन्हैया को सौंपूं, बोलो जय श्री कृष्ण। और पकड़ लिया एक दिन, जैसे ही गए चोरी करी और छोरे भागे, कन्हैया आखिरी रह गए और बाह पकड़ी, बोले अब कहां जावे को, बोलो जय श्री कृष्ण।
अब चल, अब तुझे यशोदा के पास लेकर चलती हूँ। बोले छोड़ दे चाची, छोड़ दे, फिर कभी नहीं आऊंगा, तेरे घर नहीं आऊंगा। बोले नहीं, कैसे नहीं आऊंगा, अब तू चल, यशोदा भरोसा नहीं करती ना, उसके सामने चल। बाह पकड़ के ले जाने लगी। इतने में उसका बेटा आ गया, मैया छोड़ दे कन्हैया को, छोड़ दे, इसे मैंने निमंत्रण भेजो थे दारी के, ऐसे निमंत्रण भेजो थे। मन में प्रसन्न हो रही है कि मेरा बेटा कितना प्रेम करता है कृष्ण से, ऐसे निमंत्रण पाते हैं कोई। रात को आके मटकियां फोड़ते हैं, 15 लोग आते हैं, खिड़की से आते हैं, छिपके आते हैं, ले जाते हैं, ये निमंत्रण ऐसा होता है, मारूंगी थप्पड़ खींच के। बेचारा समझ गया, बोला कन्हैया तू तो गयो, कन्हैया तू तो गयो, मैं नहीं गयो, तू जावेगो, चल मेरे साथ। कन्हैया ने इशारा किया। अब बीच बाजार में पहुंची तो पुराने जमाने की बात है, बहुत बड़ा घूंघट चलता था, है ना, धागे जितनी, तब तो ये चुनरी होती नहीं थी, जैसे धागे जैसे हो रही, चलो भाई, ये लंबा घूंघट किया आगे से। अब कन्हैया को मौका मिला, उसका बेटा भी साथ था। कन्हैया ने कहा चाची चाची देख मेरी बांह दुख रही है, छोड़ूंगी नहीं। अच्छा छोड़ मत, मेरी दूसरी बांह पकड़ ले चाची, करुणा आ गई। बोले हाँ ठीक है, दूसरी बांह दे, छोड़ती हूँ। अच्छा ये ले मेरी दूसरी बांह। जैसे ही बांह पकड़नी चाहिए तो बेटे की बांह उसके हाथ में दे दी। अब घूंघट लगा पड़ा है, आगे आगे प्रभावती, पीछे उसका बेटा चला आ रहा है। कन्हैया वहां से फुर्र हो गए 18-4-22, यानी -50% ईच, 50% डिस्काउंट, हाँ 9-2-11 हो गए, और जाके अपने महल में सो गए। इतने में प्रभावती पहुंची, यशोदा, ओ यशोदा देख तो किसे लाई हूं। यशोदा मैया आई, क्या हुआ प्रभावती, देख तू कहती है ना तेरा छोरा चोर ने, आज रंगी हाथों पकड़ के लाई हूं, कहां है तेरा छोरा बता, हाँ का कर रहा है। तो यशोदा मैया ने आवाज दी, कनुआ, ओ कनुआ, ओरे कनुआ। कन्हैया उठे, ऐसे उठे जैसे कुंभकर्ण नींद में सोके उठा हुआ हो, ऐसी आंखें मलते आए जैसे गहरी नींद में किसी ने उठा लिया, ऐसी ऐसी आंखें मली, पूरा काजल आंखों में, जगन्नाथ भगवान जैसे हो गए। और सामने आके कहने लगे, मैया तू तो नींद भी नहीं करने देती, अभी तो सोया था। और जो प्रभावती ने देखा तो 12 बज गए, बोली छोरो यहां कैसे, तो मैं किसको पकड़ के ले आई हूं। यशोदा ने कहा किसको पकड़ा, कहां है चोर, कौन है चोर, कन्हैया कहां है, जो सामने खींची तो छोरा तू कहां से आ गया, मैया तू ही तो पकड़ के ला रही है, तुझे कहां पकड़ा, तू नहीं तो पकड़ा, अब काटो तो खून नहीं। अरे कुछ बोल प्रभावती, बहन यशोदा मैं क्या बोलूं, ये क्या जादू भयो, मैं तो कन्हैया को पकड़ो, तो ये तो कन्हैया खड़ा है, तेरी वजह से बेचारे को नींद में उठा दिया मैंने। कन्हैया माँ के आंचल में आ गए, देख न मैया ऐसे मेरे ऊपर चोरी के आरोप लगाती, जा लाला तू सो जा। हाँ मैया मेरे को नींद आ रही है। कन्हैया गए दूसरे दरवाजे से निकले और बाहर आंगन में आ गए। इतने में प्रभावती बिचारी शर्मोसार होकर जैसे ही बाहर निकली, चाची, कन्हैया बगल में खड़े थे, ओ चाची कैसी रही, छोरे तू ऐसी आंखें लाल हो गई, छोरे छोरे क्या किया तूने, अरे क्या किया, कुछ नहीं किया, अब की तो छोड़ दिया, अब की बार हाथ धरेगी ना तो छोरे को नहीं थारे खसम को हाथ पकड़ाऊंगो, भगवान जी अगली बार पकड़ेंगी तो मुड़ से जो अथड़ी ना मैं। हरि राम, श्री कृष्ण गोविंद, नाथ नारायण वासुदेव। एक दूसरी जगह कन्हैया चोरी करने गए, बोलो जय श्री कृष्ण। उस गोपी ने बड़ी चालाकी की, माखन ये ऊपर लगा दिया, लेकिन कन्हैया भी तो कम नहीं, टोली साथ लाए, 15 नीचे खड़े किए, 5 ऊपर लगाई छलांग, खूब मक्खन खाया, सबको लुटाया, बोलो जय श्री कृष्ण। और जैसे ही सबने माखन खाया तो एक मटकी फूटी, गोपी दौड़ी, दौड़ दौड़ के आई, सब भाग गए, फिर कन्हैया बच गए, लेकिन अब की बार कन्हैया चूके नहीं, मुंह में छाछ भर दिया, नमक वाला ये भर दिया, पूरा मुंह ऐसे फूल गया। और जाके खड़े हुए दरवाजे के पास गोपी दौड़ती दौड़ती आई, और जैसे ही कन्हैया के पास आई तो कन्हैया ने एक भर के जोर से जो छाछ छोड़ा, पूरा स्नान करा दिया छाछ से, दुध से स्नान कराए,
उन अखियं बंद कर या दरवाजो खोलो। अच्छा मौसी जा रही हूं, बहुत सारो काम पड़ो है और घर भी तो जानो है हाथ फेरने। जा रहे हो नंद को छोरो है किसी में ताकत तो पकड़ ले छोरे। इसको कहते हैं फुतकार लीला। क्या कहते हैं? हाँ, ये भगवान की फुतकार लीला है। श्री कृष्ण गोविंद। एक दूसरी गोपी ने तो और चालाकी की, बोलो जय श्री कृष्ण। उसने सब में घंटियां बांध दी, मटकी में घंटी, रस्सी में घंटी, और जैसे हाथ भी लगे मटकी को तो घंटियां बजने लगे। फिर आए कन्हैया, 15 आदमी खड़े, 5 ऊपर, फिर लगाई छलांग और घंटी से कहने लगे, सुन घंटी देवी, खबरदार तू बाजी बजना मत, घंटी से आवाज आई। जी सरकार, जो आ गया। अब तो ग्वाल बाल हिलाने लगे तो घंटी से आवाज ही नहीं आई। बोलो जय श्री कृष्ण। जोर जोर से हिलाए तभी घंटी न बजे। अब कन्हैया ने सबको मक्खन खिलाया, ग्वाल बालों को बढ़िया भरपूर मक्खन खिलाया, और जैसे कन्हैया ने हाथ लगाया अपने मुख में डालने वाले थे कि घंटी टन 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 जोर से बजने लगी। कन्हैया ने कहा, क्यों बेशरम, तुझे कान मत बजना। घंटी ने कहा, सरकार क्षमा करना, सारी दुनिया खाली हम नहीं बजती। आप तो जानते हो मंदिर में जब भी ठाकुर को भोग लगता है तो टनाटन घंटी बजती है। आज तो साक्षात ठाकुर मेरे सामने मक्खन जीम रहे, आज मैं चुप हो जाती तो जन्म भर कोसती रहती। आज तो हमको बजने दो सरकार, टन 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 टन। श्री कृष्ण गोविंद। इतने में गोपी दौड़ी, गोपी दौड़ी, सब छोरा भागे, कन्हैया को पकड़ लिया। श्री कृष्ण गोविंद। कन्हैया अकेले रह गए। बोले, मैं प्रभावती की तरह नहीं कि तेरे को लेकर जाऊं, तू जादू टोना कर दे छोरा और तू बदल जाए, कहीं भाग जाए। आज तो तुझे यहां बांध दूंगी, यशोदा को लेकर आऊंगी। भगवान कहते, भाभी छोड़ दे, भाभी ऐसी बात नहीं, भाभी तू प्यारी भाभी है ना, छोड़ दे छोड़ दे। अब मैं घर से मक्खन लाऊंगा, तुझे खिलाऊंगा, दाल भात खाएगी, मक्खन खाएगी, दही खाएगी, बढ़िया सब्जी बनी है, साग सब्जी खाएगी। बोले, तू तो मक्खन लगाना भी सीख गया, तू कितनी भी चालाकी कर, कन्हैया आज तुझे छोड़ने वाली नहीं। खंबे से खड़ा किया, रस्सी उठाई लंबी, लगाई चक्कर, बांधने लगी, रस्सी ढीली पड़ जाए, बंधे नहीं, गठान बांधने नहीं आए। कन्हैया ने कहा, भाभी तो ये तो बांधबो भी नहीं आवे, मैं सिखाऊंगा, मैं बहुत अच्छी तरह रस्सी बांधना जानता हूं, एक बार मैं सिखा दूं फिर तू बांध लेना, ठीक है? हाँ लाला ठीक, तो भागेगो तो नहीं, तू दरवाजा बंद कर दे। भाभी पहले दरवाजा बंद करके आई, कुछ भी बोल, छोरो सच्चो है, पहले दरवाजा बंद करा तो। हाँ अब चल, अब पहले तू मेरी जगह खड़ी हो जा। भाभी भाभी खड़ी हो गई। अब रस्सी मुझे दे, ये ले रस्सी, एक छोर तू पकड़, ये ले पकड़ा। अब कन्हैया ने लगाए 1 2 3 4 12 चक्कर लगाए, एकादशी पूरी, द्वादशी आ गई, 11 गठान बांधी। बोले, कैसो लग रहे है? वाह लाला, रस्सी तो ने कैसी बांधी, हिलडुल ना ही सकूं मैं, ऐसे मूर्ति जैसे खड़ी हो गई, बहुत अच्छी बांधी है ना, ऐसे बांधो जावे। हाँ अब सीख गई, अब ऐसे ही बांधूंगी, ठीक है लाला, अब खोल रस्सी, खोल तो बांधू। तो कन्हैया हंसने लगे, खी 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 खी, का भयो लाला, रस्सी खोल ना, और जोर से हंसने लगे, अरे लाला रस्सी खोल। भाभी तो ये पतो नहीं, मुझे तो बांधना आता है, खोलना तो मैं सीखा ही नहीं हूं, बांध वो आवे है, खोल बे तो हम पे आवे ही ना। अब तो धरती खिसक गई उसकी, लाला मैं बंदी पड़ी हूं, बंदी रह, पकड़ेगी, बांधेगी, हाँ मैया को लाएगी, अब तुझे तो तेरा खसम आके खोलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे लाला लाला, नेक दया कर, मैं भूखी मर जाऊंगी। भूखी भूखी नहीं मरेगी भाभी, मटकी उठाई, पूरा मक्खन मल दिया, और कमी हो ऊपर लगा दिया, दही लगा दी। और कन्हैया बोले, अच्छा भाभी अब मैं चलता हूँ, और भी तो काम है, 10 घर और भी जाना है। बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की। सुबह से शाम तक बेचारी वो गोपी बंदी रही। उसके शाम को पति आए, गौचारण, गायें, खेती किसानी देखकर, और जो सामने आए देखा, अरे भगवान तू बंदी पड़ी है, क्या डाकू वाकू आए, क्या चोर आए, लुटेरे आए? बोले, और कोई नहीं, वो नंद को छोरो वही डाकू आयो, तो
वो बांध के चले गए। कैसे? मैंने उसको पहले बांधना चाहा, मैं नहीं बांध पाई। उसने कहा मैं सिखा रहा हूं, बांधा, फिर बोला खोलने मुझे नहीं आता है। पति हंसने लगे, बोले अरे पगली, तू उसको बांधने चली है, हाँ, जिसने सारे संसार को बांध दिया माया के बंधन में। अरे वो तो एक ही बंधन में बंध जाता है, केवल प्रेम के बंधन में। बोलो भक्तवत्सल भगवान। ऐसी भगवान लीलाएं करते हैं। 15 के ऊपर 5 को बिठा कर, 15 के ऊपर 5 को बिठा कर, फिर उसके ऊपर खुद मुस्कुरा कर, थोड़ी मटकी बड़ी अलगी पलना घड़ी, वो आया नंद लाला मखन लूट खाएगा, हाजी लूट खाएगा और छूट जाएगा, हे आया नंद लाला मखन लूट खाएगा। छोरे ने ऊधम मचाया, अपने इशारे पे सबको नचाया, अपने इशारे पे सबको नचाया, कुछ पता ना चला आया कब वो चला, आया नंद लाला मखन लूट खाएगा, अरे भाई कोई थक गए हो तो खड़े हो सकते हो आप, हाँ, जो बैठना चाहे बैठ जाए, जो थक गए हैं वे खड़े हो जाएं। गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बैरज का बाका संभाल तोरी खगरी रे, आया बैरज का बाका संभाल तोरी खगरी रे, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण 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 हे कृष्ण, ओ कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, ओ कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण 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 हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण 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 हे, ओ कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण 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 हे कृष्ण हे कृष्ण हे गोविंद गोविंद गाविए रे, अजो राधे गोपाल कृष्ण गाविए, गोविंद गाविए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाविए, गोविंद गोविंद गाविए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाविए, गिरद
गिरधारी गिरधारी गाविए रे, नंदा के लाल प्रभु गाविए हरि बोल, गाविए गोविंद गोविंद गाविए रे, अजो राधे गोपाल कृष्ण गाविए बरसात करो, ओ मेरे कान्हा प्यारी श्यामा प्यारी श्यामा, राधे गोविंद गोपाल भजो रे मन सांवर चरणों में नंद गा, माता बिन रूप मिले ना, सूरज बिन धूप मिले ना, ओ राधे श्याम राधे श्याम, माता बिन रूप मिले ना, सूरज बिन धूप मिले ना, कृपा की बरसात करो प्यारी कान्हा, वो प्यारी श्यामा वो प्यारी श्यामा, राधे गोविंद गोपाल भजो रे मन सांवर चरणों में नंद गा, भागवत भगवान की। ओ देखो मेरा श्याम आया, ओ देखो मेरा श्याम आया, ओ राधा जी को साथ लेके देखो मेरा श्याम आया, राधे श्याम जय राधे श्याम, माखन मिश्री लाई हो मन में आस लगाई हो, हे माखन मिश्री लाई हो मन में आस लगाई हो, हरि ने भोग लगाया हरि देखो मेरा श्याम आया, ओ प्रभु ने भोग लगाया हरि देखो मेरा श्याम आया, ओ प्यारा प्यारा श्याम आया, हाँ बंसी वाला श्याम आया, ओ खोपड़ वाला श्याम आया, हाँ हाथल वाला श्याम आया, हे राधा जी को साथ लेके देखो मेरा श्याम आया,
जय जय राधे श्याम 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 हरि बोल माखन चोरी करे सीना चोरी करे माखन चोरी करे सीना चोरी करे ओ गोपियन की मटकी फोड़िया प्यारो प्यारो सुबंसी बजिया तेरो पे गड़ गयो री नंदलाल कहियो यशोदा ने ओ तेरो आ तेरो ई तेरो पे गड़ गयो री नंदलाल कहियो यशोदा ने ए गड़ गयो री नंदलाल कहियो यशोदा ने राधे 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 श्याम राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्याम राधे 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 जय जय श्री राधे वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गोपाल दामोदर कल आपसे प्रार्थना की कृपा कर आप केवल 10-15 मिनट पहले आ जाइएगा ताकि आप भक्ति अमृत रस ज़्यादा ले पाएं समय पे पहुंचकर और थोड़े से दिन बचे हैं इनका लाभ लीजिए। कल भी कुछ भगवान की बाल लीलाएं चलेंगी गिरिराज धरण की लीला परम पावन लीला जो सुनते हैं भगवान उनका जीवन भी स्वयं धारण करते हैं उनकी डोर खुद संभालते हैं। कल समय पर आकर जरूर लाभ लीजिएगा और जीवन सफल बनाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। खड़े होकर आरती गाएंगे सब मिलकर। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती हाँ कल की कथा का समय सुबह 8:30 बजे से 11 बजे तक ध्यान दीजिएगा
हाँ, कोई भी बिना प्रसाद लिए नहीं जाएंगे। प्रसाद का दूसरा अर्थ आशीर्वाद होता है, याद रखिए। कल की कथा सुबह 8:30 से 11 बजे तक होगी। मेहरबानी करके भगवान की कथा के लिए कुछ काम छोड़कर आना, कुछ काम छोड़कर आना तो भगवान भी अपना धाम छोड़कर आएंगे। कुछ काम छोड़कर हरि का नाम लेना, भगवत कृपा आपको जरूर मिलेगी। सर्व परिवार आपके चरणों में, पमनानी परिवार विनती कर रहे हैं कि आप जरूर जरूर आए और परिवार को भी आशीर्वाद दें और भगवान की भक्ति प्राप्त करें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्स दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री आरती मधुर बोल जब फल फूल संहार दिखाने वाला, बिजली को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, सीता राम यही राधे श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है। राधे श्याम सुखदाम मुकंद घनश्याम, नंदनंदन ब्रज धाम युगल मूर्ति, श्री राधे कृष्ण भगवान की आरती। आरती युगल किशोर की कीजे, रवि शशि कोटि मदन की शोभा, गौर श्याम निरखत दीजे, कंचन थार कपूर दाजे, पुलन की सिर पुलन की हारा, पूर मुकुट मुरली कर सोहे,
ओढ़ो नील पीत पट सारे मैं तो आरती उतारूं रे राधे श्याम की रे हृदय के कपाट को हृदय के कपाट को मैं तो चरण छवि निहारूं रे राधे श्याम की राधे कान्हा के चरण पखारा कन्हैया के चरण पखारा प्रसन्नात्मा भक्त मंदार विग्रह भक्त दारिद्र दमनो भक्तानां प्रीतदायक भक्ताधीन मना पूज भक्त लोक शिवंकर भक्ताभीष्ट प्रद सर्व भक्ता घोग निक्रमतन अपार करुणा सिंधुर भगवान भक्त तत्पर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मूकं करोति वाचां पङ्गुलं भजति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं फिरत् प्रभवाया पर्यातो शरणाय नानक की प्रभु बिनती अपनी भक्ति लाय ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम शांति 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 ओम जगमे मैया की जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव जो बोले सो तरी जगत गुरु श्री चंद्र हरे आज सर्व साथ संगत सब की ओर से बड़ी खुशी की बात भगवान को आज 56 भोग की व्यवस्था है ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सब भगवान की भगवत कृपा से ठाकुर जी को श्रद्धा से जो भोग लगाते हैं तो मन में ऐसा विश्वास रखें कि भगवान ने इसे भोग लगाया सारा खेल हमारी श्रद्धा का होता है ध्यान दीजिएगा शंकर प्राण वल्लभे हे गोविंद हे गोपी जन वल्लभ ये प्रभु का प्रसाद प्रभु स्वीकार करें जरूर जरूर आप प्रसाद को स्वीकार करें ग्रहण करें ताकि हमें आपका सीत प्रसाद मिले काम क्रोध और लोभ मोह विनस जाय अहमेव नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव राम कहे सुख उपजे कृष्ण कहे दुख जाय महिमा महाप्रसाद की पाव प्रीत लगा गंगा मैया की गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की द्वारिकाधीश भगवान की भक्तवत्सल भगवान की ये प्रभु का भोग लगा प्रसाद जरूर जरूर स्वीकार करें कोई भी प्रसाद लिए बिना न जाएगा कल 8:30 बजे ठीक आकर आप जीवन का लाभ लें
गुरु श्री भागवत भगवान की। आप सभी से भगवान की बड़ी कृपा, 56 भोग का प्रसाद सभी पाए और कल भी 56 भोग लगेगी, तो आप लोग कल भी 56 भोग ला सकते हैं। तो भगवान की ऐसी करुणा कृपा है कि आज भी 56 भोग का प्रसाद आप लोगों को मिलेगा और कल भी 56 भोग का प्रसाद लगेगा, तो आप लोग कल भी चाहे तो अपनी इच्छा से प्रसाद ला सकते हैं। और एक निवेदन सभी से, आरती जब भी करते हैं थोड़ा सा दूर होकर के करें, धक्का मुक्की ना करें, ये निवेदन है। सभी आरती ले लें, हाथ जोड़ करके पुष्पांजलि करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नह देहनागम महिमानः सुचंद्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयम् वै श्रवणाय गुरुमहे समे कामान काम कामाय मह्यं वा कामेश्वर वै श्रवणं ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेश्यं राज्यं महाराज महाधिपत्यमयम् समंत पर्याय स्या सर्वभौम सर्वाशांता प्रादुर्भवे समुद्र पर्यंता प्रदायाय क्रांडित श्लोको भीतो मृत परिवेशारूढ संग्रहे आवेक्षितस्य काम प्रेर विश्वे देवा सभासद इति। ओम विश्वतक्षुरुतो विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुतो सुस सप्यापात्मसंभव्यं धर्मि सप्रत्यावा भूमि जन्यन देव एकः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे नारायणाय धीमहि तन्नो राधा कृष्ण प्रचोदयात्। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आवाहनं न जानामि न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। ओम हाथ जोड़ विनती करूं खड़ा आपके द्वार, पूजा हमारी स्वीकार करो हे राधावर सरकार। तेरा तुझको सौंपता अपना स्वामी जान, कर लोगे स्वीकार तो बढ़ेगा सबका मान, कर लोगे स्वीकार तो बढ़ेगा सबका मान। ना कुछ किया न कर सके ना कुछ करने यो, जो कुछ किया सो आप हैं प्रभु आप ही करने योग्य। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। जो हाथ जोड़े धरती माता को छूले सभी धरती माता को छूले, जो फूल रखे को चढ़ा दें, अपने स्थान पे चार परिक्रमा करें, विष्णु जी की कृष्ण जी की गोविंद की चार परिक्रमा। ओम जय तीर्थानि प्रतिनिधिस्कास्तानि हंगडाते काकुसाति योजने धनवानि तन्मसि। एक दूसरे को राधे राधे बोल दो प्रेम से, बड़े प्रेम और भाव से बोलना राधे राधे। ओम गौरी गणेश भगवान की जय, कृष्ण अग्र भगवान की जय, वेदी भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, भारत अखंड हो। हर हर महादेव नमः पार्वती पते हर हर बम बम महादेव। कल सुबह ध्यान रखेंगे आप सभी को 7 बजे आ जाना है, ठीक है? कथा सुन ले, जीवन भर काम तो चलता रहेगा। हाँ अब भगवान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, भोजन बनाना भोजन कराना। अभी सब पतिदेव को बोल के आना जी, भोजन बना के रखना और उनको भी साथ में ले आना,
भगवान बनाएंगे, आप इधर आना कथा सुने, लड्डू गोपाल घर भोजन बनाएंगे। तो आप सभी कल सुबह जरूर आ जाइएगा, 7:30 बजे तक पहुंच जाइएगा कथा में। 56 भोग का प्रसाद गेट के पास मिलेगा और घर के जो सदस्य हैं वो मेरे से प्रसाद ले लेंगे। और हमारे सुरेश पमनानी जी भैया का आज बर्थडे है, तो सभी ताली बजा करके उनको बधाई देंगे, आशीर्वाद देंगे। हाँ, मानसिक आशीर्वाद दीजिए।